हेलो, गुड इवनिंग भाई सभी को। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। आ गए हैं और एक बार क्लास को शेयर कर दो, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। उसके बाद जो है क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्ते, जय हिंद भाई। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सभी को, वेरी गुड इवनिंग। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी बढ़िया चल रही है भाई साड़ी तो। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद सभी को। बुला लो जो जो भी रहता, आपने जो न्योता दिया था सभी को उनको बुला लीजिए। जो है फिर करते हैं शुरू अपना, ठीक है ना? कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिला, प्लीज सेंड करना 7 40 40 7 6 2 8। एक भाई जी, कैथल से प्रणाम भाई। सुमित, सब इंस्पेक्टर आ गए सर। अच्छा, सब इंस्पेक्टर आ गए, ठीक है ठीक। 10 के 10 ठीक कर दो सर। भाई मैं तो कौन हूँ, ठीक करने वाले तो आप ही हो, ठीक करने वाले तो आप ही हो। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। करते हैं क्लास शुरू करते हैं अपनी, ठीक है? इससे पहले थोड़ी सी, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। 20 तारीख से 20th of September, 20 तारीख सितंबर से कंप्यूटर का स्पेशल बैच आ रहा है। कंप्यूटर स्पेशल बैच मेल कांस्टेबल के लिए स्पेशल लाइव बैच आ रहा है। लीशो पे लाइव बैच आ रहा है, लीशो पे 20 तारीख से पेमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9609970000 पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 तारीख से पेमेंट शुरू हो जाएगी। इसी पे CET और ये लाइव बैच, जो कंप्यूटर का स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये जानकारी ज़रूरी थी देनी। बहुत सारे जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर लाइव बैच कब आ रहा है, कब आ रहा है, तो ये जानकारी देने का अच्छा अवसर, मैंने मुझे लगा कि ये बेटर बेटर अवसर है, सभी को जानकारी मिल जाए। मेल कॉन्स्टेबल के लिए कंप्यूटर स्पेशल लाइव बैच 20 तारीख को पेमेंट शुरू हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए 9609970000 पे मैसेज या कॉल करें, या फिर मुझे पूछ सकते हैं आप 7 40 40 7 6 2 8 1 पे, 7 40 40 7 6 2 8 1 पे। एक और ज़रूरी जानकारी देता हूँ आप सभी को। कल से SI के लिए क्विक रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ मैं। क्विक रिवीजन क्लासेस अपने ही यूट्यूब चैनल पे, टोटली फ्री। SI स्पेशल के लिए क्विक रिवीजन क्लासेस होगी, रात को 9:30 बजे स्टार्ट होगी क्लास हर रोज। क्विक रिवीजन क्लासेस SI के लिए स्पेशल, ठीक है ना जी? देखो नेक्स्ट वे, अब आ जाते हैं क्लास की तरफ, आ जाते हैं, कर दें शुरू। करें राम राम भाई, करें राम राम शुरू। बताओ एक बार, यस कर दो, करते हैं शुरू। यस सर, ठीक है, यस कर दो एक बार, थम्स अप कर दो, थम्स अप। एवरीवन इज रेडी? जी, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान, इन सभी के क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ। तो इन सभी के क्वेश्चन हैं, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान के, जो 2021 में क्वेश्चन आए हैं, वो पुलिस के पेपर हुए। दिल्ली पुलिस का भी हुआ, राजस्थान पुलिस का भी हुआ, पंजाब का भी हुआ, SI का, चंडीगढ़ का भी एक एग्ज़ाम है इसके अंदर। तो सबसे पहले पंजाब से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना? पंजाब से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन मैराथन क्लास का, बढ़िया से पढ़ के आंसर देना है, ठीक है ना? बढ़िया से पढ़ के आंसर देना है। अगर किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और शेयर नहीं की क्लास तो शेयर कर दो, रिक्वेस्ट है। जी बहुत बढ़िया है विश्वजीत जी, बहुत बढ़िया है। सी आंसर दे रहे हैं, देखो, मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट कह रहा है कि CPU से लेकर, जो अपना CPU होता है इससे लेकर, और इनपुट आउटपुट के बीच में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उनके बीच में जो सिग्नल चलते हैं, मूवमेंट होते हैं, उनको जो कंट्रोल करने का काम करेगा वो कौन करेगा?
पहला ऑप्शन है ALU। भाई ALU तो सिर्फ मैथ के फंक्शन और लॉजिक फंक्शन को संभालने वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को संभालने वाला है, और लॉजिकल फंक्शन जो होंगे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ये संभालने वाला है। मेमोरी यूनिट क्या संभालेगी, कंट्रोल सिग्नल को मेमोरी यूनिट का काम ही नहीं है, और स्टोरेज यूनिट स्टोर करने का काम करेगी ये भी नहीं है, तो बाई कंट्रोल यूनिट इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। डिजिटल वॉच में कैसा कंप्यूटर पाया जाता है, डिजिटल वॉच में कैसा कंप्यूटर पाया जाता है, हाँ तूफानी क्लास होने वाली है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन देखना आप कितने मिलेंगे आपको, और हरियाणा पंजाब राजस्थान चंडीगढ़ सब आ जाएगा इसके अंदर। डिजिटल वॉच के अंदर कैसा कंप्यूटर पाया जाता, भाई मेन फ्रेम तो मिलने से रहा, सुपर मिलने से रहा, और नोटबुक कंप्यूटर, क्या नोटबुक कंप्यूटर, जो नोटबुक कंप्यूटर तो नोटबुक हुआ, तो ये तो नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन इलेमिनेट करें तो भी एक ही बचता है, एम्बेडेड कंप्यूटर, क्या बचता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर इसको यूजरलेस कंप्यूटर भी कह सकते हैं, यूजरलेस कंप्यूटर यानी कि इसमें यूज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर है या फिर आपका गाड़ी के अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इस प्रकार के एम्बेडेड कंप्यूटर में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज इन पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में किस प्रकार की मेमोरी होती है, पेन ड्राइव के अंदर किस प्रकार की मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी, EPROM मेमोरी, रैम मेमोरी, किस प्रकार की मेमोरी होती है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज इन पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में किस प्रकार की मेमोरी होती है, पेन ड्राइव में किस प्रकार की मेमोरी होती है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का, ए इज राइट आंसर, फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव मेमोरी है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी पूछे तो ध्यान रखना EPROM टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव की टेक्नोलॉजी पूछे तो EPROM टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, लेकिन पेन ड्राइव जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू सर्वर ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, कंप्यूटर से सर्वर पे इंटरनेट सर्वर पे डेटा डालना क्या कहलाता है, इनपुटिंग कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है, या स्टोरिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, आने दो जल्दी जल्दी आंसर, गलत मत करो भाई आंसर, गलत क्यों कर रहे हो, कंप्यूटर से कह रहा है कि फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द सर्वर, कंप्यूटर है अपना वाला कंप्यूटर है, इससे सर्वर पे यानी कि जो सर्वर है अपना कहीं भी, इस पे जानकारी डालना क्या होता है, अपलोडिंग होता है, सर्वर से जानकारी कंप्यूटर में लेना क्या होता है, डाउनलोडिंग होता है, ठीक है ना, डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर में सेव करना स्टोरिंग होता है, कंप्यूटर से कोई भी इनपुट डिवाइस से कोई भी डेटा कंप्यूटर में डालना इनपुटिंग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डॉक्टर सोलोमन और मैकेफ आर पॉपुलर, क्या है ये पॉपुलर डिवाइस है, क्या है, अपलोडिंग इंटरनेट से डाउनलोड, अपलोडेड इंटरनेट से डाउनलोड, हाँ अपलोडेड की गई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है, या क्या ये वायरस है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर डॉक्टर का नाम है, या एंटीवायरस है, क्या है मैकेफे और सोलमन, क्या है ये, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का राइट आंसर आ रहा है, भारद्वाज का आंसर गलत हो गया शायद, पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, डी इज राइट आंसर, एंटीवायरस, क्या आएगा, एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया स्टिमुलेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मल्टीमीडिया सभी चीज़ों को स्टिमुलेट करता है, हाई करता है, इस चीज़ के सिवाय, किस चीज़ के सिवाय, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया था, देखो मल्टीमीडिया में इमेज भी आ जाता है, साउंड भी आ जाता है, मेमोरी भी आ जाती है, एक चीज़ बच गई साइट नहीं आती मल्टीमीडिया के अंदर, ठीक है ना, साइट नहीं आती, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, एक शब्द है जो वेब पेज पर होता है जब क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करता है, ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसी क्या चीज़ होती है, एंकर होता है, हाइपरलिंक होता है, या रेफरेंस होता है, या यूआरएल होता है, यूआरएल तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, रेफरेंस जो होता है वो रेफरेंस होता है, किसी का आगे से आगे रेफरेंस हम दे दें तो ये फुट नोट में यूज़ करेंगे, और ये होता है हाइपरलिंक। राइट आंसर क्या आएगा आपका, हाइपरलिंक इज़ राइट आंसर। एंकर जो होता है ये टैग होता है, और ये HTML के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, HTML के अंदर होता है, ए टैग जिसको बोलते हैं, AHREF एंकर टैग होता है, जो आपका लिंक डालता है, लिंक डालने का काम करता है, ठीक है ना, क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एट्थ क्वेश्चन आ गया, इन MS वर्ड सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रो आर नो क्या है, क्या है भाई ये सारी चीज बताइए जल्दी, क्या है ये, तो देखो भाई क्या है, वीडियो बीच बीच में बफर हो रही है सर, अब नहीं होगी भाई, अब नहीं होगी बफर, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक चलेगी। फ़ॉन्ट फेस तो होता है फ़ॉन्ट का नाम, फ़ॉन्ट इफेक्ट होते हैं क्या ये वाले फ़ॉन्ट इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, फ़ॉन्ट इफेक्ट। और फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या क्या आते हैं, स्टाइल में फ़ॉन्ट आ गया रेगुलर फ़ॉन्ट, ये क्वेश्चन HSSC में 2 बार 3 बार आ चुका है, HSSC के अंदर 2 से 3 बार फ़ॉन्ट स्टाइल वाला, रेगुलर होता है इसके अंदर, बोल्ड होता है इसके अंदर, इटैलिक होता है इसके अंदर, इटैलिक होता है इसके अंदर, और बोल्ड दोनों चीज़ें इकट्ठी भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये HSSC के अंदर 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फंक्शन टू एंटर करंट टाइम इन वर्कशीट सेल, वर्कशीट की सेल में करंट टाइम डालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, चल रही भाई मेरे पास तो ऑलरेडी चल रही है, मेरे पास सही चल रही है क्लास बिल्कुल, आप जो है एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो, मेरे पास जो क्लास बिल्कुल ओके चल रही है, 1% भी बफरिंग नहीं है, मैं देख भी रहा हूँ ना साथ के साथ, मेरे पास ओके चल रही है बिल्कुल ओके। राम राम भाई राजेश, तो करंट टाइम डालने के लिए क्या यूज करोगे, इक्वल नाउ का प्रयोग अगर आप करोगे तो ये करंट की डेट और टाइम दोनों चीज इंसर्ट कर देगा, करंट की डेट और टाइम दोनों चीज इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना, करंट की डेट और टाइम नाउ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच साइन इज यूज टू स्पेसिफाई ए सेल रेंज, विच सिंबल इज यूज टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ सेल, रेंज ऑफ सेल को कौन सा निशान सिंप्लीफाई करता है, हाँ राइट चल रही है कोई बात नहीं, चलने दो बताइए कौन सा निशान जो है सेल रेंज को रेफरेंस को इंडिकेट करता है, डिटरमाइन करता है। जय हिंद भाई पंकज, जय हिंद, राम राम भाई दीप जांगड़ा, कौन सा करता है भाई, कोलन, रेंज को बताने के लिए, जैसे A1 से लेकर A9 तक हमने सेलेक्ट करना है, A9 तक, तो रेंज को सेपरेट करने के लिए क्या आएगा, कोलन आएगा, क्या आएगा, कोलन आएगा। राम राम भाई सभी को राम राम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ऑल काइंड ऑफ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल और मैथमेटिकल कंप्यूटर में वो कहाँ होती हैं, सिस्टम बोर्ड में होती हैं, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में होती हैं, मदरबोर्ड में होती हैं, या CPU में होती हैं, कहाँ होती हैं भाई, बस भाई धन्यवाद आप पियो, देख ज़्यादा रहे हैं, लाइक कम ने किया है, लाइक का बटन दबा देना भाई। किस में होती है, सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड भी कहा जाता है, मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, सर्किट बोर्ड को PCB बोर्ड भी कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट कुछ होता नहीं, मदरबोर्ड में ये सारी चीज़ें हो है, तो CPU ये सारे काम करता है, कौन करता है, CPU ये सारे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन इन कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग में से इन चारों में से एक नहीं है, कौन नहीं है, दीप जांगड़ा आपका ही पड़ोसी हूं जी, जी जी बहुत बहुत स्वागत। एस्ट्रिक्स प्रोग्रामिंग में यूज होगा वेरिएबल को करने के लिए भाई, जय हो 100 होने पर भाई, बिल्कुल भाई सभी का धन्यवाद 100 करने पर, 100 करने पर,
सभी का रिप्लाई कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट, बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, इतना भी औखा क्वेश्चन नहीं है भाइयों। गैदरिंग डेटा कह रहा है कि चार मेजर फंक्शन है डेटा को प्रोसेस करने के, गैदर डेटा, डेटा कौन गैदर करेगा भाई, कंप्यूटर थोड़ी ना गैदर करेगा, तो ए इज राइट आंसर। कंप्यूटर तो प्रोसेस करेगा, एनालाइज कर लेगा, स्टोर कर लेगा, लेकिन गैदर नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिलीट की जो है वो यूज की जाती है टू डिलीट द करेक्टर टू द डैश ऑफ द कर्सर, डिलीट की कौन सा करेक्टर डिलीट करेगी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। राम है, राम, राम के यहाँ पे कर्सर है, तो डिलीट की कौन सा करेक्टर डिलीट करेगी भाई, कौन सा करेक्टर डिलीट करेगी, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, राइट साइड का डिलीट करेगी, लेफ्ट साइड का डिलीट करेगी, डिलीट की या दोनों डिलीट कर लेगी, राइट साइड का कर्सर, राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट करेगी, यानी कि डिलीट की जो है आर को डिलीट करेगी, ठीक है ना, आर को डिलीट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स ए स्टोरेज एरिया, ईमेल अकाउंट के अंदर एक स्टोरेज एरिया होता है, वो आमतौर पर क्या कहा जाता है, अटैचमेंट कहा जाता है, हाइपरलिंक कहा जाता है, मेल बॉक्स कहा जाता है, या आईपी एड्रेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इधर क्या होता है जी, गैदर होता है, इकट्ठा करना, शिव जी, हाइपरलिंक तो लिंक थोड़े ना बनेगा, हाइपरलिंक तो लिंक होता है, अटैच करते हैं उसके अंदर, मेल बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो सी इज राइट आंसर। आईपी एड्रेस किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। नेक्स्ट आ जाओ, टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, लाइन ब्रेक इंसर्ट कौन सा की, कौन सी की कॉम्बिनेशन दबाऊँ, आल्ट प्लस एंटर, फंक्शन प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, या कंट्रोल प्लस एंटर, भाई कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से क्या होगा, पेज ब्रेक होगा, क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से पेज ब्रेक होगा, आल्ट प्लस एंटर नहीं होगा, फंक्शन प्लस एंटर होगा ही नहीं, तो बच गया शिफ्ट प्लस एंटर, तो उसको दबाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर होगा, क्या होगा, शिफ्ट प्लस एंटर, राइट आंसर, शिफ्ट प्लस एंसर एंटर भाई, ए इज राइट आंसर, ए, ये लाइन ब्रेक पूछ रहा है, पेज ब्रेक नहीं पूछ रहा, ध्यान दें यहाँ पे, लाइन ब्रेक पूछ रहा है यार, पेज ब्रेक नहीं पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस एंटर पूरा पेज को ब्रेक करेगा, लाइन ब्रेक करना तो शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये दिल्ली के एग्जाम के आ गए, अब पंजाब वाले थे, अब दिल्ली के एग्जाम के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड 2007 द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ टेबल प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टी का बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन जो होता है वो यूज किया जाता है किस लिए, अप्लाई करने के लिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज अप्लाई करेगा, ओरिएंटेशन अप्लाई करेगा, मेलिंग करेगा, बॉर्डर करेगा, या मार्जिन करेगा, क्या अप्लाई करेगा भाई, भाई मेरी साइड तो कुछ भी नहीं हो रहा, बफरिंग वगैरह ऐसा कुछ, आपकी साइड है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आज, क्या करेगा भाई, ओरिएंटेशन तो करने से रहा, ओरिएंटेशन तो पेज का लेआउट होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर आते हैं, ओरिएंटेशन नहीं करेगा, मेलिंग तो मतलब ही नहीं, ठीक है ना, मार्जिन का मतलब ही नहीं, तो बॉर्डर करेगा ना, बॉर्डर बनाएगा, बॉर्डर, सी इज राइट ऑप्शन। थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन, बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एम एस एक्सेल 2007, एम एस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई टेक्स्ट फंक्शन, राइट, मिड, कंबाइन, लेफ्ट, बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई, है कौन, हाँ अब चेक करें एक बार, अब चेक करके बताना एक बार, ओके है क्या, बताओ एक बार, ओके है,
अरे नहीं होंगे, नहीं होंगे खराब भाई, नहीं होंगे। अब तो ओके ना? ओके जी, चल पड़ी सर। ओके जी, ओके ठीक है। देखो ये कह रहा है कि टैक्स फंक्शन कौन सा नहीं है। टैक्स फंक्शन राइट फंक्शन भी टैक्स होता है, मिड भी टैक्स फंक्शन होता है, लेफ्ट भी टैक्स फंक्शन होता है, कंबाइन जो है ये टैक्स फंक्शन नहीं होता भाई, ध्यान रखना। कंबाइन जो है टैक्स फंक्शन नहीं होता, राइट आंसर कंबाइन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर है इनमें से, वेब ब्राउजर है और उनके वेंडर हैं यानी कि उनको बनाने वाले हैं, बेस्ट मैच आपने ढूंढने हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू से, लिस्ट वन और लिस्ट टू से आपने बेस्ट मैच ढूंढने हैं। बताओ भाई। बेस्ट मैच में बताओ क्या होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, सी मंकी। ये कह रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को मैच करो। इंटरनेट आईई किसका भाई, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। सफारी किसका है, एप्पल वालों का है। बच गया एक, ये किसका है फिर, ये मोजिला फायरफॉक्स फाउंडेशन वालों का है, यानी कि बी और सी और ए, बी सी ए बना ना, बी सी ए टू इज़ राइट आंसर आई थिंक, बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर, बिल्कुल सही है वैसे भी का, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाई एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या प्रदान करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको क्या प्रदान करता है, इंटरनेट एक्सेस, वेब एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन या डायलअप एक्सेस, क्या प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी आपको क्या देता है भाई, आईएसपी आपको इंटरनेट की सर्विस एक्सेस करवाता है ना, इंटरनेट की सर्विस एक्सेस करवाता है आपको आईएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड 2007 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन मेनू बार। मेनू बार में कौन सा ऑप्शन नहीं है, 2007 में मेनू बार में कौन सा ऑप्शन नहीं है, इंसर्ट, होम, इंटरनेट, पेज लेआउट, कौन सा नहीं है भाई। राम राम भाई, अमरजीत लेट हो गए, कौन सा ऑप्शन नहीं है भाई। इंटरनेट नहीं है ना, इंटरनेट इज राइट ऑप्शन, इंटरनेट नहीं होता, होम होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रिव्यू होता है, रेफरेंस होता है, व्यू होता है, लेकिन इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता। इन एम एस वर्ड 2007 फॉन्ट साइज है जो 36 का फॉन्ट साइज है, ये दिल्ली पुलिस में दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में दो बार आ चुका है। 36 का जो पॉइंट है वो बराबर होता है कितने इंच के बराबर होता है, 2.0 के बराबर होता है, 0.125 के बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है, 0.25 के बराबर होता है। हाँ भाई, घर से ही लाइव होते हैं दीप। 0.5 के बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। अब राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन आ गए, राजस्थान पुलिस भाई, तो क्लास को शेयर कर देना सबसे पहले, जिसने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना। मेमोरी को उसकी स्टोरेज क्षमता के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है भाई, बढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अंकित गुजर पूछ रहे हैं कैसे आया भाई। अंकित गुजर आपको बता दें, जो 72 पॉइंट होता है वो एक इंच के बराबर होता है, जो 36 हुआ फिर वो हाफ इंच के बराबर हुआ। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, HSSC में 72 वाला पूछा गया था, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, पहले रजिस्टर मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द इनपुट डिवाइस यूज टू स्कैन मार्क्ड आंसर शीट, मार्क्ड आंसर शीट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन करता है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, करेक्टर रिकॉग्निशन और कार्ड रीडर भाई। तो क्या आंसर आएगा? OMR इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है OMR भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नोट को नोट करना बड़ा जरूरी है, नोट को नोट करना बहुत जरूरी है भाई। HSSC की यही करेगा, इसका इलाज करो किसका भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स, मिंट है, एंड्रॉयड है, MS विंडो है। तो MS DOS जो है ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये CUI बेस्ड है, कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक, सॉरी बताया गया था, मतलब GUI की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरपोर्ट, ग्राफिकल यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भाई। बिल्कुल राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, सभी का सही है, सभी का सही है। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर जो दिखने वाली पहली स्क्रीन है उनमें से क्या है, निम्नलिखित में से क्या है? फाइल फोल्डर है, डेस्कटॉप है, रिसाइकल बिन है या रिसेंटली एडिटेड स्क्रीन है? तो क्या है, क्या है भाई? डेस्कटॉप राइट आंसर है सभी का, बिल्कुल राइट आंसर है, सही जा रहे हैं ना सभी का, सभी के सही जा रहे होंगे क्वेश्चन, आंसर सभी के सही जा रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, नहीं है पूछा इन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट एज, टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो क्या नहीं है? टिंडर नहीं है भाई। माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है, बी इज राइट ऑप्शन, टिंडर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर में विंडो फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी की दबाएं? ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ होगा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, टिंडर एक ऐप है भाई, डेटिंग ऐप, जिसको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता वो क्या करें, जिसको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता वो सिर्फ 3 या 4 दिन अगर आपके पेपर के बचे हैं तो सिर्फ MCQ पढ़ें जितना हो सकता है और रट्टा मार लें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? F8 होता है बूट के लिए, F8 किस लिए होता है? बूट के लिए। F9 होता है कंपाइल के लिए, F9 किस लिए होता है? कंपाइल के लिए। F10 किस लिए होता है? मेनू बार पे जाने के लिए, किस लिए होता है? मेनू बार पे जाने के लिए। और F11 किस लिए होता है? F11 होता है फुल स्क्रीन करने के लिए, राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, गूगल क्रोम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्राउज इनकोग्निटो इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में इनकोग्निटो चलाने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई? नया टैब खोला जाए या नई विंडो खोली जाए या न्यू इनकोग्निटो विंडो खोली जाए या बुकमार्क खोला जाए? भाई बुकमार्क से तो जो पहले से सेव हुआ है वो निकल कर आएगा, बुकमार्क तो नहीं खोला जाए। नया टैब है तो सिंपल खुलेगा, इनकोग्निटो तो नहीं खुलेगा। इनकोग्निटो होता है प्राइवेट ब्राउजिंग, इनकोग्निटो क्या होता है? प्राइवेट ब्राउजिंग। तो नया टैब खोलने से तो वो तो नहीं खुलेगा और न्यू विंडो खोलने से भी वो नहीं खुलेगा, तो बच गया एक सी ऑप्शन। राम राम भाई दिनेश, न्यू इनकोग्निटो विंडो इज राइट ऑप्शन, न्यू इनकोग्निटो विंडो प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए ओपन करते हैं। राजन सोनी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोम इज ए मेथड ऑफ सेविंग वेब पेज, क्रोम के अंदर इन क्रोम डैश इज ए मेथड ऑफ सेविंग वेब पेज एड्रेसेस फॉर क्विक एक्सेस व्हेन यूजिंग इंटरनेट ब्राउजर।
इन क्रोम ऐसे आएगा, ये इन क्रोम डैश इज ए मेथड ऑफ सेविंग वेब पेजेस एड्रेस फॉर क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस करने के लिए वेब पेज जो हमने सेव किए हैं वो क्या कहलाते हैं। कैश को क्लियर करना तो बिल्कुल भी नहीं, और ये तो कैश भी दूसरा लिखा हुआ है। प्रॉक्सी सेटिंग बिल्कुल भी नहीं, हिस्ट्री डिलीट करेंगे तो सेव किया हुआ निकल कर कैसे आएगा। तो बच्चा एक बुक मार्क इज राइट ऑप्शन, कौन सा राइट ऑप्शन है भाई, बुक मार्क इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया आसान क्वेश्चन है, एस एम पी एस की फुल फॉर्म क्या है, एस एम पी एस की फुल फॉर्म क्या है भाई। सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई या स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। ये तो आसान है, ये तो सभी आंसर दे देंगे, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है सभी का, सभी का सही आंसर जा रहा है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या आंसर आएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 2 MB कैश मेमोरी है, इन बाइट्स में ये बराबर होगी, किसके बराबर होगी, बाइट्स में अगर इसको काउंट करें तो कैसी होगी। ये मल्टीप्लाई का निशान आएगा यहाँ पे सभी में, यहाँ पे सभी में मल्टीप्लाई का निशान आएगा, 2 × 1024 × 1024। क्या आंसर आएगा भाई, सौरभ सैनी जी जी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कहाँ से ले आए भाई, क्या आएगा भाई, बाइट में बताना, बाइट में तो एमबी है, एमबी है तो 1024 बाइट एमबी के बराबर नहीं होता बिल्कुल भी, और इसमें 1024 है ही नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी नहीं है, तो बच गया एक ऑप्शन, चाहे काउंट भी ना करो वैसे भी ऑप्शन एक बच गया, वैसे भी ऑप्शन एक बच गया, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, पार्ट सीपीयू का ऐसा भाग जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हाँ बिल्कुल सही है मिंटू, बिल्कुल सही, लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर, रैम तो करेगी नहीं, सीपीयू का पार्ट ही नहीं होती रैम, मदरबोर्ड सीपीयू का पार्ट ही नहीं होता, रजिस्टर सीपीयू का पार्ट होता है, लेकिन रजिस्टर तो स्टोरेज होती है, एएलयू करेगा परफॉर्म, कौन करेगा, एएलयू, ठीक है ना, राइट आंसर है एएलयू। एक सामान्य डेस्कटॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट मेमोरी साइज इन ए टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर, टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी मेमोरी साइज क्या है, हाउ, हाउ का क्या मतलब, हाउ तो होता ही नहीं कुछ भी, और रजिस्टर सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, अभी पढ़ के आए, रैम उससे बड़ी होती है, और उससे बड़ी क्या होती है, हार्ड डिस्क, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, हाँ बी सही है भाई, सभी का आंसर बी सही है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो लिखे हुए टेक्स्ट या प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करके डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करता है, एडिटेबल बनाता है, प्रोजेक्टर जो स्क्रीन को प्रोजेक्ट करता है किसी दीवार पे या किसी पर्दे पे, माउस इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है, वेबकैम इनपुट डिवाइस है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी तो ये बचा आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर, बिल्कुल राइट आंसर है प्रोजेक्टर। डैश इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से एक इनपुट डिवाइस है जो यूज की जाती है पर्संस की वॉइस को कंप्यूटर में सेव करने के लिए, किसी व्यक्ति की आवाज़ को कंप्यूटर में सेव करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है, पावर पॉइंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है भाई, पावर पॉइंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, एक्सेल उससे कम करने की ज़रूरत है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, स्पीकर तो नहीं होता भाई, ठीक है ना, स्कैनर भी नहीं होता, वो उसको स्कैनर करेगा ही नहीं बिल्कुल, जॉयस्टिक भी नहीं होता, बचा एक माइक्रोफोन, क्या बचा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस भाई, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जो स्क्रीन पे पॉइंटर को पॉइंट करे या लाइट से ऑपरेशन से चले वो पॉइंटिंग डिवाइस है, डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है ये स्टाइलस पेन से चलती है, स्टाइलस पेन से चलती है, और ये पॉइंटिंग डिवाइस में काउंट नहीं होगी, सी इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूसली लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर। अलग अलग कलर की कंटिन्यूसली लाइन अगर प्रिंट करनी है तो कौन सी डिवाइस काम आएगी? डेजी नेल प्रिंटर, नेल प्रिंटर तो होता ही नहीं, प्लूटर काम आएगा, ड्रम प्रिंटर काम आएगा या चेन प्रिंटर काम आएगा? बुक में मिलेगी भाई, अभय क्या काम आएगा भाई? प्लूटर, प्लूटर काम आएगा बिल्कुल, डिफरेंट कलर की अलग अलग लाइन निकालनी है तो प्लूटर काम आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्रिंटर के जो रेजोल्यूशन है वो मापे जाते हैं, किसमें मापे जाते हैं? प्रिंटर के रेजोल्यूशन किसमें मापे जाते हैं? डॉट पर इंच में मापे जाते हैं, डेटा पर इंच में, डॉट पर सेकंड में, डॉट पर कैरेक्टर में, डॉट पर इंच राइट आंसर, डॉट पर इंच इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, इनमें से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? इनमें से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है भाई? लिस्ट में मैंने बताया तो कॉमन बैच के अंदर जो मेरी क्लास होती है वो वीरवार शुक्रवार शनिवार तीन दिन होती है कॉमन बैच में। जो अभी स्पेशल बैच आ रहा है 20 तारीख को मेल कॉन्स्टेबल के लिए स्पेशल लाइव बैच, कंप्यूटर का स्पेशल लाइव बैच जो 20 तारीख को आ रहा है, उसकी क्लास हर रोज़ होती हैं, यानी कि स्पेशल बैच की क्लास हर रोज़ होती है, जो कॉमन बैच है उसकी क्लास अल्टरनेट डे पर होती है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? लेज़र प्रिंटर, कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। ये भी आउटपुट डिवाइस था, ये भी आउटपुट डिवाइस था, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस थे, मॉनिटर भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस था। नेक्स्ट, खालिस्तान इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है भाई? इंग्लिश में न्यू एडिशन कब निकाल रहे हो बुक का? बुक में टाइम लगेगा भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा बुक। इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा है, थर्मल प्रिंटर इम्पैक्ट नहीं होता, इंकजेट और लेजर दोनों ही नॉन इम्पैक्ट होते हैं, तो बच गया एक, डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जिसके अंदर पिन होती है, जिसके अंदर प्रिंट हेड होता है, जिसके अंदर 9 से लेकर 24 पिन होती हैं, 9 पिन लो क्वालिटी के लिए होती हैं, 24 पिन हाई क्वालिटी के लिए होती हैं। ये कार्बन कॉपी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें डॉट 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 बनते हैं और ये ज़्यादा नॉइजी होते हैं, हालांकि सस्ते होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रखे जाते हैं, ये काम है इसका, ठीक है ना। सर उस बैच की फ़ीस कितनी होगी? बैच की फ़ीस 99 से स्टार्ट होगी भाई, ठीक है, पहले 2000 कैंडिडेट्स के लिए है आई थिंक, बाकी सभी जानकारी जो है एक दो दिन में मैं सारी जानकारी शेयर कर दूँगा, ठीक है। 99 से शुरू होगी, ओनली 99, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल दैट डिस्प्ले स्क्रीन कैन अकोमोडेट, नंबर ऑफ पिक्सल भाई। गुड इवनिंग भाई, जी एस जॉन भाई नैन सर, अजय जी आपका स्वागत है। क्या आंसर आएगा? नंबर ऑफ पिक्सल क्या होते हैं? रेजोल्यूशन होते हैं। नंबर ऑफ पिक्सल क्या होते हैं? रेजोल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। और डॉट पिच क्या होता है? डॉट पिच होता है डिस्टेंस। डॉट पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेम लाइक कलर, डिस्टेंस बिटवीन द सेम लाइक कलर, डॉट पिच। एस्पेक्ट रेशो जो होता है वो कुछ नहीं होता, साइज जो है वो 15 इंच 17 इंच मॉनिटर का साइज होता है। क्रिएटिंग यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ डैश मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी मैनेजमेंट का काम है? सिस्टम की प्रोसेस को क्रिएट करना, कौन सी का काम है भाई? मेमोरी का काम है, प्रोसेस का काम है, फाइल का काम है, डिवाइस का काम है, किसका काम है भाई? मैं आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब जो है ब्रेक में दूंगा, 235 क्वेश्चन है अभी, 47th क्वेश्चन पे आए हैं, ठीक है ना। प्रोसेस का काम है भाई, किसका काम है? प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है, बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। देखो इनमें क्या काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट का प्रोसेस करना, मेमोरी मैनेजमेंट का मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट करना,
फाइल मैनेजमेंट का मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाता है वैसे फाइल डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिवाइस मैनेजमेंट का कौन सी इनपुट डिवाइस को आउटपुट डिवाइस को कहाँ क्या कुछ कंट्रोल सिग्नल भेजना है वो आ जाता है, ठीक है ना। प्रोसेस राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विंडो 95 इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडो 95 जो है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, रियल टाइम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है। राजन सोनी क्यों मार खा रहे हो आप, सिंगल यूजर एक ही है, वो मैंने आपको बताया था सिंगल यूजर आजकल जो है एक ही है सिंगल यूजर, और वो एमएस डोस है, ये सिंगल यूजर नहीं, ये मल्टी यूजर है। क्या है, ये मल्टी यूजर है विंडो 95, ठीक है ना। मल्टी यूजर इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में शॉर्टकट की बतानी है अंडू की, ये तो बताइए, आसान है ये तो। कंट्रोल एन नई फाइल लेने के लिए होता है, कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए होता है, रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए होता है, और कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात, सारे ऑप्शन आ गए इसमें। नेक्स्ट आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज परसेंटेज एडिंग अप टू 100% इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा चार्ट है जो 100% को डिवाइड करके दिखाए। बार चार्ट है, बबल चार्ट है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट, कौन सा चार्ट है। बार चार्ट जो होता है वो इस प्रकार से होता है, बार चार्ट ध्यान रखना भाई। कॉलम चार्ट को अगर इस तरीके से उल्टा लटका दिया जाए तो बार चार्ट बन जाता है, और कॉलम चार्ट इस प्रकार से होता है, ये कॉलम चार्ट होता है। जो बबल चार्ट होता है उसमें बबल होते हैं इस तरीके से, जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट होता है जिसमें 100% को पार्ट करके डिवाइड करना हो, तो पाई चार्ट इज राइट आंसर, पाई चार्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पैराग्राफ के शुरुआत में अगर बड़ा लेटर कैपिटल लेटर लेना है एमएस वर्ड में तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट, इंसर्ट सिंबल, या इंसर्ट ड्रॉप कैप, किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुतों का राइट आंसर आ रहा है, डी इज राइट आंसर, राइट ऑप्शन, इंसर्ट ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में F12 जब दबाओगे, F12 का प्रयोग करोगे किस चीज़ के लिए करोगे। सेव एज के लिए करोगे, मेल मर्ज विजार्ड खोलने के लिए करोगे, टेबल को इंसर्ट करने के लिए करोगे, या पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए करोगे। F12 का इस्तेमाल बहुत बार बता चुका मैं, F12 का इस्तेमाल जो होगा सेव एज के लिए होगा, किसके लिए होगा, सेव एज के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पर्सन और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्धारित कर लो कि इनमें से कौन सा कथन तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क मजबूत नहीं है। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं, ये तर्क है। ऑप्शन है हाँ, उन्हें कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा है नहीं, ये निम्न विन्यास यानी कि छोटी कन्फिग्रेशन के होते हैं। सर ये क्लास दो पार्ट में कर देना भाई, दो पार्ट में करने का मेरे पास टाइम नहीं है। राकेश आज ही कर लो जो करना है आपने, जो भी शेयर करना है ना आज ही कर कुर लो, जो भी आपने मतलब जोर लगाना है। केवल वन तर्क मजबूत है, सिर्फ वन ही ओके है, दूसरा कोई जरूरी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी या इंडस्ट्री या एंटरप्राइजेस इन्वेंट किया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसने बनाया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसने बनाया था भाई? हाँ रिवीजन हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, चिंता ना करो, सभी का रिवीजन हो जाएगा। हाँ फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जीरोक्स कंपनी ने बनाया था, लेकिन फीमेल शेयर नहीं कर रही इतना मुझे लगता है। जीरोक्स कंपनी ने बनाया था, ठीक है ना, जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम? जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से कौन सा जो फेमस है? बस वही नहीं है। यहां तो मेल की होड़ है। GUI बेस्ड नहीं है, विंडो GUI होता है, मैक OS GUI होता है, लिनक्स GUI होता है, MS DOS GUI नहीं होता। सी इज राइट ऑप्शन। करके आए हैं सर, बहुत अच्छी बात है जी, करके आए हो, बहुत स्वागत है आपका। सब जगह क्लास होती है इस समय, हाँ लगता है ऐसा भाई। कंजूस है दुर्गा भाई। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL की फुल फॉर्म भाई क्या है? ये गलत नहीं होनी चाहिए किसी की भी, रेगुलर पढ़ने वालों की ये गलत नहीं होनी चाहिए। देख रहा हूँ मैं, आंसर देख रहा हूँ, एक का गलत हो चुका, दो के गलत हो चुके, चलने दो चलने दो, एक का और गलत हो गया, चलने दो, अब सही है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? गूगल क्रोम, यूट्यूब, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, कौन सा नहीं है? हाँ वेब ब्राउजर, यूट्यूब वेब ब्राउजर थोड़े ना, यूट्यूब तो वीडियो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर यानी कि वेबसाइट को ब्राउज करके लेके आना होता, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, लेकिन यूट्यूब तो वीडियो ब्राउजर है, यूट्यूब क्या है? वीडियो ब्राउजर है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन ऑप्शन? सर्च इंजन का ऑप्शन नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है? गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। सर्च इंजन का ऑप्शन गूगल डॉट को डॉट इन तो है, बिंग भी है, याहू भी है, जीमेल नहीं है। जीमेल क्या नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के काम कौन सा प्रोटोकॉल आता है? कौन सा प्रोटोकॉल आता है भाई इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करने का काम? FTP, XMP, TFT, SMPS, SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ये अभी पढ़ के आए हम, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और ये टेक्नोलॉजी किस में होती है? ये टेक्नोलॉजी होती है प्रोजेक्टर के अंदर, ठीक है ना, सॉरी LED के अंदर, जो अपनी एक्टिव मैट्रिक्स LCD होती है। और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, XMP नहीं होता, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यही राइट आंसर है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ठीक है ना, ए इज राइट आंसर। हाँ प्रोटोकॉल बता देते हैं भाई, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है,
और टीसीपी प्रोटोकॉल है, आईपी प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, आईएमएपी प्रोटोकॉल है, पीओपी प्रोटोकॉल है, पीओपी 3 जिसे हम कहते हैं, एसटीटीपी हाइपर टेक्स्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, हाइपर टेक्स्ट के लिए, टीसीपी किस लिए यूज किया जाता है, कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कनेक्शन को कंट्रोल या ओरिएंटेड यानी जनरेट करने के लिए, सॉरी कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और आपका फ्लो कंट्रोल करने के लिए, क्या करने कंट्रोल करने के लिए, फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। आईपी आपका कनेक्शन बनाने के लिए होता है, कनेक्शन बनाने के लिए। टीसीपी आपका रिलायबल है, टीसीपी क्या आपका रिलायबल प्रोटोकॉल है, इसके अगेंस्ट अनरिलायबल कौन सा आपका यूडीपी है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कौन सा है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है क्या है आपका अनरिलायबल है। एसएमटीपी क्या है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, क्या है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल भेजने के काम आता है, क्या काम आता है ईमेल भेजने के काम आता है। आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट पे ईमेल को रिसीव करने का काम आता है। पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये भी इंटरनेट पे ईमेल को रिसीव करने के काम आता है, ठीक है ना, क्लियर है बात भाई। नेक्स्ट बात, बिल्कुल भाई बिंटू बहुत बढ़िया बात लिखी है, तुम्हारी असफलताओं पर हंसी उड़ाने आ जाएंगे लोग, सफल होने पर कान में कोने में दुब के जाएंगे वही लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात लिखी है। एसआई वालों के लिए एडवांस कल से क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं, क्विक रिवीजन वाली क्लास जो है कल से शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर पूनम खान क्लास 9 बजे शुरू हुई थी भाई, इतना तो रोला पै दिया मेरा क्लास का, तब ना न्यू ने मेरा बेटा क्लास कैबजे है, मैं तो बतांदा थक लिया, मैंने 6 दिन हो गए पोस्टर शेयर करता थी, पर 9 बजे आ जियो, अरे 9 बजे आ जियो तो मैं कड़ा रह लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करता है भाई, सीपीयू परफॉर्म करता है, कौन करता है सीपीयू परफॉर्म करता है, कोई बात नहीं सर। पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, पीडीएफ थोड़े मिलेंगी भाई, कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन टेलीग्राम पे एक छोटा सा चैनल है, उसमें पाऊंगी सारी पीडीएफ, उठ जाके ले लिए, ठीक है। CPU राइट आंसर क्या है, CPU बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर में प्योर निर्माण वाली बोली भाई के ग्राम बोली भी जरूरी है, नीरज चोपड़ा की त्रिया हरियाणवी भी कुछ जरूरी है, जो को दबकाना होने जो तो हरियाणवी जमा सही है। तो सेकेंडरी मेमोरी पूछा है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, ये प्राइमरी की भी प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क क्या है सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, 9:30 बजे लागू करेगी भाई एस आई खतर क्लास, एस आई वाली घंटी तरी 9:30 बजे शुरू हो करेगी, अरे नहीं हाउ नहीं बोलते, ये तो मुँह लिख रखा बिरा नहीं किसने लिखा, मतलब ये पेपर बनाने वाले भी मैंने लग गए ये भी पागल हो लिए, दिमाग तो पैदल हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वर्ट्स एंड प्रेजेंट द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन इन ए फॉर्मेट यूजफुल टू यूजर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझने वाला क्वेश्चन है। समझने वाला क्वेश्चन क्या आएगा, देखो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कहा इसने, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन भाई इसका मतलब है इनपुट हो लिया प्रोसेसिंग हो ली, यानी कि कंट्रोल यूनिट का कोई काम नहीं रहा, इनपुट यूनिट का कोई काम नहीं रहा, दो रहेगी स्टोरेज यूनिट और आउटपुट यूनिट दो रहेगी। इफ स्टोरेज यूनिट का क्या काम है, स्टोरेज यूनिट का काम है स्टोर करना, ये कह रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है, किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है,
यूजफुल टू यूजर है, इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू यूजर है, वो होगी आउटपुट डिवाइस पे। क्या होगी? आउटपुट डिवाइस पे होगी। सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ भाई साहिल, तब न लग गया ऐसा, बहुत अच्छी बात है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम इज इनकरेक्ट? रैम के बारे में क्या चीज सही नहीं है? रैम के बारे में कौन सी चीज सही नहीं भाई? यानी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइलों में चल रहे कोई भी कंपोनेंट अस्थायी रूप से रैम प्रोसेसर, रैम पर प्रोसेसर के लिए स्टोर किए जाएं, यह बात भी सही है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है, यह बात भी बिल्कुल सही है। ये कौन आ गया इस टाइम में? रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह बात भी सही है। डी सही नहीं है, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री लुप्त हो जाती है, लुप्त नहीं होती यानी कि लुप्त हो जाती है। डी राइट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन भाई। ये सारे सही हैं लेकिन ये इनकरेक्ट है, डी इज राइट ऑप्शन। दिए गए विकल्प में से विषम का चयन करना भाई, ओड, चूज द ओड वन। लेजर जेट प्रिंटर टच पैड लाइट पेन स्कैनर, ओड वन बताना भाई। ओड वन बताना, ओड वन। लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ओड तो फिर यही हो गया, फिर प्रिंटर हो गया। हाँ बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये ट्रैक बॉल है भाई, ये बॉल अकेला लिखा हुआ है, ट्रैक बॉल है ये, ट्रैक बॉल। हाँ वोलेटाइल है रैम तो भाई, बिल्कुल। राइट ऑप्शन, राइट आंसर बिल्कुल। बताओ भाई, स्पीकर आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है तो स्पीकर नहीं है भाई, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। MICR इनपुट डिवाइस है, बैंक के चेक पढ़ने में काम आता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है जो ऑप्शन वाली टाइप सीट पढ़ने काम आता है। ट्रैक बॉल आपकी इनपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड के ऊपर लगे होती है, फिंगर से पॉइंटिंग डिवाइस है, फिंगर से काम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करो भाई, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में तो हर रोज कन्वर्ट करते हो, हार्ड को सॉफ्ट में कन्वर्ट करो। कौन करेगा आप में से, कौन करेगा हार्ड को सॉफ्ट में कन्वर्ट? कौन करेगा वी कन्वर्ट? स्कैनर। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन कन्वर्ट करेगा? स्कैनर। प्रिंटर तो हार्ड कॉपी वाला है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी वाला है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कैसे करेगा? ट्रैक बॉल वैसे इनपुट डिवाइस है, सिंपल। विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड और प्रोड्यूस साउंड? साउंड उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस काम आती है? अभी तो राजस्थान वाले चल रहे हैं, हरियाणा वाले तो अभी आए नहीं, कभी सो जाओ, हरियाणा वाले तो आए नहीं अभी तक। साउंड को रिकॉर्ड करना है, प्रोड्यूस करना है, कौन करेगा? साउंड कार्ड। कौन करेगा? साउंड कार्ड, ठीक है ना। मॉनिटर नहीं करेगा, प्लूटर नहीं करेगा, जॉयस्टिक नहीं करेगा, साउंड कार्ड करेगा, ठीक है ना। सिलेक्ट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ओड बताना भाई। माउस, रैम, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। कोई ना, जल्द आएंगे हरियाणा वाले भी भाई। सर मैं भी हरियाणा से हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आप हरियाणा से हो, हरियाणा वालों का स्वागत करता हूँ मैं। रैम इज राइट ऑप्शन, रैम ओड है भाई, क्योंकि ये माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, रैम जो है ये क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस है या मेमोरी यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस जनरेट्स ए हार्ड कॉपी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर? हार्ड कॉपी कौन जनरेट करता है कंप्यूटर में? अगर कोई चीज़ स्टोर है उसके लिए हार्ड कॉपी कौन जनरेट करेगा? हार्ड ड्राइव करेगा, प्रोजेक्टर करेगा, स्कैनर करेगा या प्रिंटर करेगा? प्रिंटर करेगा। कौन करेगा? प्रिंटर, बिल्कुल राइट आंसर है भाई।
हार्ड कॉपी स्कैनर सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए, प्रोजेक्टर भी सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है, हार्ड ड्राइव जो है स्टोरेज डिवाइस है। अगर कह रहा है कि एक स्कूल के अंदर कोई टीचर अगर शो करना चाहता है वीडियो को 50 बच्चों को सीधा ही, तो कौन सी डिवाइस यूज करे? चाय पी लेना भाई, कौन सी डिवाइस यूज करे? प्रोजेक्टर यूज करेगा। कौन सी डिवाइस यूज करेगा? प्रोजेक्टर। स्कैनर क्यों यूज करेगा भाई? प्रिंटर क्यों यूज करेगा? अलोटर तो कुछ होता नहीं, प्लोटर होता है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक डिजाइन? ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए बिल्डिंग के कौन सी डिवाइस सही काम आती है? लोन गांव से ट्रू वर्ल्ड, स्वागत है भाई आपका लोन गांव से। हाँ मैडम जी को राम राम दे दी भाई। प्रिंटिंग ग्राफिक डिजाइन कौन है? प्लूटर भाई। कौन करेगा प्रिंट? तो प्लूटर ही करेगा, प्रोजेक्टर प्रिंट नहीं करता, ब्रेली और स्कैनर तो प्रिंट ही नहीं करते। नेक्स्ट भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस रूप में डिफाइन किया जा सकता है, किस रूप में डिफाइन किया जा सकता है? कह रहे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है बहुत सारे एक्टिविटी को और शेयर करता है कंप्यूटर के रिसोर्स को, और दूसरे नंबर पे है कह रहे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे कोई टास्क, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है यूज़र के लिए। तीसरा ऑप्शन है मीडियम है जो प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। चौथा है स्टोरेज डिवाइस है, भाई स्टोरेज डिवाइस तो नहीं, आगे पढ़ेंगे नहीं। कोई मीडियम है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर काम को करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर काम करेगा। मैं कहूँ कि आप इसे मुझे वो दिखाओ, क्या नाम बोलते हैं उसको, पेमेंट की स्लिप काट के दिखाओ, स्कूल की रिसिप्ट काटो, कैसे काटे, क्योंकि ये इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो ए इज़ राइट ऑप्शन, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई? लिनक्स नहीं है, यूनिक्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी नहीं है? एज नहीं है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये वेब ब्राउजर है। क्या है ये? वेब ब्राउजर है। विंडो 10 के अंदर, विंडो 10 के अंदर क्या है ये? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली? एक ही बार में बहुत सारे कंप्यूटर पे बहुत सारे यूज़र काम कर सकें, ऐसा किस में होगा? बैच यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, मल्टी यूज़र में होगा, मल्टी बूट में होगा, रियल टाइम में होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम बता दो, कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन भाई। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भाई क्या होगा? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी बूट तो होता नहीं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले होता था जिसमें जॉब की बैच बनती थी, यानी कि प्रोसेस की बैच बनती थी, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डिले का नाम नहीं होता, डिले नहीं होनी चाहिए जिसमें। हाँ ये सागरन ने डाल दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की कम्बिनेशन इज यूज टू एग्जीक्यूट कट फंक्शन इन एमएक्स एक्सेल? इतनी मेहरबानी कैसे रामबीर मैनिवल, मेहरबानी कहाँ है अभी तक तो। आने वाले हैं हरियाणा वाले क्वेश्चन, आने वाले हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए अल्ट प्लस सी कुछ होता नहीं, कट कट प्लस टू कुछ होता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द मेनू ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में ये ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं होता, इंसर्ट रेफरेंस फॉर्मूला होम, क्या नहीं होता भाई? क्लास कब तक है भाई? प्रभु इच्छा तक, और प्रभु आप हो, जब आप, जब तक आपकी इच्छा तब तक चलेंगे। भाई फॉर्मूला नहीं होता इसके अंदर, क्या नहीं होता? फॉर्मूला नहीं होता, एक्सेल के अंदर होता है फॉर्मूला, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू मार्जिन
एंड ओरिएंटेशन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड एन एम एस एक्सेल 2016 में मार्जिन और ओरिएंटेशन जो है, पेज मार्जिन और पेज ओरिएंटेशन कौन से ऑप्शन से सिलेक्ट किया जा सकता है? सारी रात देख लेंगे, ठीक है भाई, प्रभु तो आप हो सर, स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स जो है मिलके प्रभु है, हर इंसान में भगवान समाया है, तो हर इंसान प्रभु का ही रूप है। जय हिंद भाई। इसमें क्या है, पेज लेआउट ऑप्शन, क्या है पेज लेआउट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है ना, डी इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एंटर्ड यूजिंग द इंसर्ट मेनू इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू से क्या चीज इंसर्ट नहीं की जा सकती? टेबल, लाइन स्पेसिंग, शेप, हेडर फुटर। ध्यान से उत्तर देना, ध्यान से। रजिस्टर फास्ट है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। लाइन स्पेसिंग नहीं इंसर्ट की जा सकती, लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ का ऑप्शन होता है, लाइन स्पेसिंग होम रिबन के अंदर होती है, होम रिबन के अंदर, होम टैब के अंदर। टेबल इंसर्ट की जा सकती है, शेप इंसर्ट की जा सकती है, हेडर और फुटर इंसर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। विच इज शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्पेल चेक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? नमस्कार भाई सुमित, F7 राइट ऑप्शन, ए इज F7, ए इज राइट ऑप्शन। F2 रीनेम के लिए होता है, F2 किस लिए होता है? रीनेम के लिए होता है, लेकिन MS Word में नहीं, ये ध्यान रखना। कंट्रोल S सेव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस Alt प्लस F नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ, चंडीगढ़ SI के क्वेश्चन आ गए, चंडीगढ़ SI 80 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, 81 क्वेश्चन लगभग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कौन काम करता है? कौन काम करता है भाई? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो काम करने से रहा, C++ काम करने से रहा, SQL काम करने से रहा, लिनक्स ओ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इन मेमरी, ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इन द मेमरी द CPU गोज थ्रू ए, CPU कौन से सीक्वेंस के थ्रू जाता है? डिकोड फैच एग्जीक्यूट सीक्वेंस, एग्जीक्यूट स्टोर डिकोड सीक्वेंस, फैच डिकोड एग्जीक्यूट सीक्वेंस और फैच एग्जीक्यूट डिकोड सीक्वेंस। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। लिनक्स के बारे में बताना, लिनक्स जो है भाई, लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब है आपका कोड ही ओपन है, लिनक्स से ही आपका एंड्रॉयड बना है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। लिनस टॉरवाल्ड ने इसका आविष्कार किया था। पहले क्या होगा, फैच होगा, यानी कि ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन सही हैं अभी तक तो। फैच के बाद होता है डिकोड, फैच के बाद क्या होता है, डिकोड, एग्जीक्यूट नहीं होता, डिकोड बाद में दे रखा है इसमें, नहीं, फैच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर होगा जो भी ऑपरेशन होगा, चाहे वो सीक्वेंस है, चाहे वो राइट है, चाहे वो स्टोर है, उसके बाद ऑप्शन होंगे जो भी होंगे, ठीक है ना, क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, क्लॉक स्पीड कह रहा है कि द स्पीड एट विच ए प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड इन विच एग्जीक्यूट वन मिलियन। जो कह रहा है कि स्पीड है जो प्रोसेसर की एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को, अगर कह रहा है कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे
तो उसको किस में मापा जाएगा, किलोबाइट में, एमएस में, मेगा हर्ज में, या केबीपीएस में, किस में मापा जाएगा भाई? मेगा हर्ज में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा? मेगा हर्ज में। मेगा एंड गीगा नहीं भाई, 1 मिलियन पूछ पूछ ही 1 मिलियन रहा, अगर 1 बिलियन कहता तो फिर गीगा हर्ज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रूममेट है वो चाहता है कि कंप्यूटर की जो है स्पीड बढ़ जाए, पीक परफॉर्मेंस हो, फर कंप्यूटर डिस्क, कंप्यूटर की डिस्क की जो है वो परफॉर्मेंस बढ़िया आए, आप उसको सजेस्ट करते हो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो रीअरेंज कर देता है फाइल को, डिस्क पर जो फाइल पड़ी है उनको रीअरेंज कर देता है और रिस्टोर कर देता है कॉन्टिगुअस सेक्टर में, क्लस्टर में, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई? अभी तो ठीक चल रहा है भाई मेरे ख्याल से। डी फ्रेगमेंटेशन कौन सा है? डी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट किए हुए पार्ट्स को सभी को मिला दिया जाए, डी फ्रेगमेंटेड कर दिया जाए, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस में सुधार आता है, ठीक है ना? सिस्टम की परफॉर्मेंस में सुधार आता है। डिस्क क्लीनअप नहीं होगा, डिस्क क्लीनअप तब होगा जब बैड सेक्टर वगैरह आ जाएगा, या जो ऐसी फाइल है जो यूज़ नहीं की जाती उनको अपने आप डिस्क जो है क्लीन कर दे तब आएगा। रीफ्रेगमेंटेशन और फाइल शेडर नहीं होता। नेक्स्ट देखो, विच व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट करवाता है बाकी कंप्यूटर के सभी सिस्टम के साथ? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? कौन से वाला टॉपिक भाई? यूटिलिटी ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी है, या डिवाइस ड्राइवर है? देख लो ध्यान से, अभी तक तो गलत आ रहा सभी का आंसर। यार ये इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ना लगाएं तो भी काम करेगा। अब बताओ क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। डिवाइस ड्राइवर मैच करवाएगा ना ये सारी चीजें, तो डिवाइस ड्राइवर उनसे दूसरी चीजों से कम्युनिकेट करवाएगा। डिवाइस ड्राइवर इज राइट आंसर, ध्यान रखना अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इन विंडो द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द, विंडो में स्टार्ट बटन कहाँ होता है? भाई आपकी साइड अंकित, आपकी साइड प्रॉब्लम, आई थिंक यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस बार पे? तो यार स्टेटस बार तो विंडो में नहीं होता। स्टेटस बार, स्टेटस बार किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है स्टेटस बताने के लिए कि आप कौन से पेज नंबर पे खड़े हो, कितने वर्ड लिख लिए, कितनी लाइनें लिख ली। स्टेटस बार का तो प्रोग्राम ही हटा दो, स्टेटस बार तो होगा नहीं। प्रोग्राम मेनू, मेनू में बटन होगा ही नहीं, स्टार्ट बटन जो है मेनू में, टाइटल बार पे होगा, सॉरी टास्क बार पे होगा, कि कहाँ होगा? टास्क बार पे होगा, ठीक है ना? विंडो में तो, अगर एमएस ऑफिस में पूछे तो टाइटल बार पे होगा स्टार्ट बटन, ऊपर ऑफिस बटन बोलते हैं जिसको, ऑफिस बटन, ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन कहाँ होगा? टाइटल बार पे होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। डी इज राइट ऑप्शन, टास्क बार पे होगा। नेक्स्ट आ जाओ, डैश वन ऑफ द आइकन ऑन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप कैन बी यूज टू डिस्कार्ड अननीडेड ऑब्जेक्ट। अननीडेड ऑब्जेक्ट को डिस्कार्ड करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रयोग किया जाएगा? नींद आ रही है तो गोली खाओ, चाय पी लो। रिसाइकल बिन राइट आंसर, रिसाइकल बिन राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, राइट आंसर रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा
थीजर्स टूल इन एम एस वर्ड इज यूज फॉर, थीजर टूल जो है एम एस वर्ड में वो प्रयोग किया जाता है किस लिए? मेरी बातों को बुरा मत मान जाना, कभी क्लास छोड़ के भाग जाओ, नुकसान हो जाएगा। मच्छर खावा जी, एक आधा मच्छर था मैं बिखे लियो। मच्छर क्या खावा जी। एम एस वर्ड में थीजर टूल जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है? सिनोनिम्स के लिए यूज किया जाता है। किस लिए? सिनोनिम्स के लिए, ग्रामर चेक के लिए, F7 ग्रामर और स्पेलिंग दोनों के लिए, ठीक है ना। नींद तो अच्छे से सीने डायदी, सही बात है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट भाई, व्हेन यू कट और कॉपी ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन ए वर्ड प्रोसेसर, जब वर्ड प्रोसेसर में कट और कॉपी कर देते हो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को, ये कहाँ जाता है? ठीक है जी, नींद को नहीं आवे, ठीक क्या ना आवे जितना नींद। सर ऑटो करेक्ट तो खुद होता है ना? हाँ ऑटो करेक्ट तो अपने आप होता है भाई, ऑटो करेक्ट क्लिप बोर्ड पर चली जाती हैं ये फाइल्स, कट कर देते हो कॉपी कर देते हो तो ये फाइल कहाँ चली जाती हैं? क्लिप बोर्ड पर चली जाती हैं, ठीक है ना, डेस्कटॉप पे नहीं जाती, स्टाइल शीट पे नहीं जाती, रूलर तो अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल स्टार्ट विद, आसान सा क्वेश्चन आ गया, यू किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, यू परसन गलत हो गया नहीं, इन्हें समझ लेता ना कुछ नहीं आता। देख तो ही बनाई है रेल सी, देख बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, सियाणे हो गए तुम तो, इंटेलिजेंट हो रहे हो, क्या बात है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट दिखाए, टाइटल हो उसमें, बुलेटेड नंबर हो, ऐसा कौन सा पावर पॉइंट के अंदर व्यू है? पावर पॉइंट के अंदर ऐसा कौन सा व्यू है भाई? आपकी छाया में है अभी। नाच डाओ जी, HSSC है, बिल्कुल सही बात है। अरे स्लाइड शो में तो सारी चीजें दिखाई देती हैं, ओनली टेक्स्ट पूछा इसने, स्लाइड सॉर्टर में, स्लाइड सॉर्टर में कुछ भी नहीं दिखाई देता, थोड़ा बहुत दिखाई देगा, नोट्स पेज व्यू में भी दिखाई देता है ये चीज, आउटलाइन व्यू में ऐसी चीज दिखाई नहीं देती, वैसे तो मास्टर व्यू में नहीं दिखाई देती, जो मास्टर व्यू होता है मास्टर व्यू उसके अंदर नहीं दिखाई देती इमेज वगैरह, ओनली टेक्स्ट दिखाई देता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही आउटलाइन दिया है तो क्या कर सकते हैं, आउटलाइन ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंट टू मैनी रिसिपेंट एट वंस इज, एक बार में मैनी रिसिपेंट के पास मैसेज भेज देना। सर ये पढ़ाया नहीं आपने, कौन सा नहीं पढ़ाया भाई, पावर पॉइंट तो पढ़ाएगा नहीं मैंने, पावर पॉइंट में इतने प्रश्न को नहीं आते, ये तो उसका है चंडीगढ़ SI का प्रश्न है, कुछ HSSC में को नहीं आते, क्या ना माथा मारो, क्या आएगा भाई, स्पैम, स्पैम इज राइट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन भाई, ठीक है ना। हाँ सर जी 11 रिपीट कर दो, 11 कर तो दिया भाई, 11 स्लाइड शो फुल स्क्रीन व्यू के लिए होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू छोटा स्लाइड सारी दिखाने के लिए होता है, कितनी स्लाइड आपने ली है सारी स्लाइड स्क्रीन पर आ जाएंगी, नोट्स पेज व्यू में आपका स्लाइड के साथ साथ नीचे नोट पेज नोट लिखा आएगा, और आउटलाइन व्यू जो आपका ऊपर डेफिनेशन लिखी है इसके लिए यूज होता है, और मास्टर भी यूज होता है, मास्टर पेज व्यू भी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ इससे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल नंबर, एक के प्रश्न है बस, यू हेक्साडेसिमल वाला, 5 ए ने बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। सर कल राउंड वाला रिपीट कर दो, हाँ करते हैं भाई, ब्रेक में कर दिया दीक्षित, बस वो सही है, आपने जैसे निकाल रखा था वो तो सही है, वो एग्जैक्ट राइट राइट आंसर है वो, हरियाणा वाले ले आओ सर, नेट खत्म हो गया, नेट डलवा ले मेरे यार, 10-11 रुपया जियो में के जावा है, कुछ नहीं मैं कर दूं कंधा हो जाए, ए ने लिखांगे 10, ए ने लिखांगे 10, 10 ने लिखांगे 10 10,
तो दस दस देख लो कड़ा है, दस दस इसमें है और इसमें भी है, दो में है, इसने काट दो इसने काट दो। पाँच देख लो, पाँच का लिखेंगे 101, पाँच ने 101 लिखा है, चार बिट में लिखेंगे जो 0101 लिखेंगे, तो 0101 किसमें है, इसमें है, सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, अडोब डेवलप्ड विच अलाउज डॉक्यूमेंट्स टू ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड विदाउट लॉस ऑफ फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग खोए अडोब ने एक ऐसी चीज बना रखी है जो डॉक्यूमेंट ने आसानी से ट्रांसमिट कर दे है, क्या बना रखा है? डिफ्रेगमेंटेशन कर रखा है, असेंबलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर रखा है, फिल्टरिंग फॉर्मेट कर रखा है, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर रखा है? सी नाश कर दिया, ये तो दो तीन बार पढ़ा लिया मैंने, अब तो जगराता कराओगे जी, जगराता करना पड़ेगा भाई, 95% हो लग 235 ले रहा हूँ, इबता में देख लो अभी। PDF डी इज राइट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन। अरे टाइम खराब आप करे नहीं करते, टाइम खराब करते हो जब बता दियो बीच में, ठीक है नहीं, फालतू की बात आप कि मैं करे नहीं करते, शेर व शायरी अपन आंदे नहीं, गाने गुणे अपन आंदे नहीं। HTTP में HTTPS के अंदर ये कह रहे कि लेटर है S, ये किस लिए होता है? भाई ब्रेक लेवांगे, सिर्फ मात्र एक मिनट का ब्रेक लेवांगे, उसमें तो मैं किमें पूछ लियो, उसमें मतलब सारी जो प्रॉब्लम है तारी मैं ले लेंगे, ठीक है नहीं, ब्रेक में कर लेंगे सारी चीज़। संभाल लीजिए अपना बालक, कौन सा कौन आ गया? हाँ फीमेल कॉन्स्टेबल खतरा है भाई, ये सारा कुछ और जहन तो बैठे हैं, सिक्योर भाई क्या आएगा आंसर इसका? सिक्योर, स्टैंडर्ड नहीं होता, सिंपल नहीं होता, स्मार्ट नहीं होता, सिक्योर आएगा। राम राम बेटा, जतिन बेटा राम राम भाई। ले भाई पहला हाफ जो है वो खत्म हो गया। अरे इतना मैं फेसबुक पावा था ना, व्हाट्सएप पाई हो, इंस्टाग्राम पाई हो, जड़ा जड़ा था मैं शेयर कर सको नहीं, ओड़ा शेयर कर दियो, ठीक है ना, ठीक है। ईब मना बताओ तारा के प्रश्न है, प्रश्न आए जो एक मिनट खतर, सिर्फ एक मिनट भाई, एक मिनट के बाद अगला पार्ट चल रहे हैं, सिर्फ एक मिनट के बाद HSSC के क्वेश्चन आएंगे फिर इसके बाद, ठीक है नहीं, मात्र एक मिनट है आपके पास। डीफ्रेगमेंटेशन बता दो जी, बिल्कुल भाई, पहला डीफ्रेगमेंटेशन वाला है जो, देखो भाई ये डिस्क फ्रेगमेंटेड करखी है इन पार्ट्स में, चार पार्टों में डिवाइड करखी है, फाइल है आधी फाइल उरे पड़ी है, आधी उरे पड़ी है, आधी उरे पड़ी है, आधी उरे। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फाइल ने टोके लिया होगा तो उसकी बड़ा टाइम लगेगा, कहीं उरा जाएगा, कहीं उरा जाएगा, कहीं उरा जाएगा। लेकिन अब जो है इनको डीफ्रेगमेंट कर दिया, इसका मतलब इन सभी को क्या कर दिया, मिला दिया, यानी कि एक जगह इकट्ठी कर दी सारी फाइल, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ कर लेकर आने में कोई भी परेशानी नहीं। क्लियर है बात? पानी पी लो जी। हाँ पी लेंगे, मैं पानी पी लेंगे। ये था डीफ्रेगमेंटेशन वाला भाई, क्या था? डीफ्रेगमेंटेशन वाले का था ये काम। अब आने दो दूसरा क्वेश्चन, बता दियो डीफ्रेगमेंटेशन वाले समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनहेरिटेंस बता दो जी। इनहेरिटेंस होता भाई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी ले लेना, यानी कि बेस क्लास में से किसी दूसरे क्लास में प्रॉपर्टी चले जाना। भाई साइकिल लिया था अपना बाबू ने और आप भी चलाने लग रहे हैं, यानी कि उरे भी प्रॉपर्टी यूज हुई थी और उरे भी यूज हुई है, ठीक है नहीं? क्लियर है बात भाई? इनहेरिटेंस वाले का यह है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भाई, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था सर? वो टेबल लाइब्रेरी वाला कंसेप्ट, टेबल लाइब्रेरी वाला कौन सा कंसेप्ट आ गया भाई? कंप्यूटर बार बता दो जी। कंप्यूटर बार कौन सा होता है सुमित मलिक, कौन से वाला? ये बता दिया करो, उस टॉपिक में से आई है बस, फिर करते शुरू। टाइम अप हो गया अपना, मेरे को लग रहा है, मैंने दिखा कर मेरे को लग रहा है टाइम अपना खत्म हो चुका है, करते हैं शुरू। बीच में फिर बता देना, एक ब्रेक और आएगा बीच में एक मिनट का, फिर से बता देना, कोई नहीं किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो,
वो भी ले लेंगे, चिंता ना करो, सारे क्वेश्चन जो है अपन सारी बीमारी ने कट आने, ठीक है। देखो तुमने तो बहुत सारे बजाए दिए भाई, आ जाओ पहला क्वेश्चन, आ जाओ HSSC का पहला क्वेश्चन, फ्लोर डिवीजन पाइथन का कंसेप्ट। अच्छा किम जोन, फ्लोर डिवीजन भी बता देंगे भाई, स्टेटस बार और टाइटल बार बता दो, बता देंगे भाई। धन्यवाद भाई सोमवीर, ठीक है। देखो जो जिसको भी जो टॉपिक चाहिए, देखो मान लीजिए जैसे कल को टॉपिक चाहिए आपको, तो 7:40:40 7:06:28 पे भेज दिया करो, वो टॉपिक अगले दिन मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। इस नंबर पे आप भेज दिया करो 7:40:40 7:06:28 पे। ये कह रहा है कि लिटिल डिस्क्रिप्शन होता है दैट अपियर अलोंग द टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज होता है सो दैट द रीडर नोज व्हाट इज व्हाट, रीडर को ये बताने के लिए क्या चीज़ क्या है। तो कौन होता है वो, हेडर होता है, फुटर होता है, नोट होता है, रिव्यू होता है, तो क्या होता है, हेडर होता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, हेडर होता है, ठीक है ना। हाँ रिप्लाई कोशिश करता हूँ भाई मैं रिप्लाई करने की, भाई काफ़ी दिन हो गए, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इस वजह से नहीं कर पाया होगा, अदरवाइज कर लेता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा करो, जी जी व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। कल की छुट्टी मार ली सर स्कूल की, ना भाई छुट्टी तो कौन ले सकते, कल ना जरूरी काम है, लेकिन कल ना जाऊंगा स्कूल में भी, हाँ जल्दी कर रहे हैं भाई, टाइम पास कौन करे कर दे पा। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स जो है कट के लिए, ठीक है ना, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंटर आर मोर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर से एक्सपेंसिव प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है जो क्वालिटी में भी हाई होता है और मोस्टली फास्टर होता है, ज्यादातर फास्ट होता है। लाभ सिंह नैन के नाम से है भाई, सभी प्लेटफॉर्म पे लाभ सिंह नैन के नाम से है, चाहे वो इंस्टा हो, टम्बलर हो, पिंटरेस्ट हो, मीडियम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कुकू हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सभी पे लाभ सिंह नैन के नाम से है। अरे डी कहाँ से आ गया, कौन कह रहा है डी भाई, बी कह रहे हैं अब इंकजेट, ये तो पूछ क्या रहा है, इंकजेट की अपेक्षा पूछ रहे हैं इंकजेट आंसर क्यों दे रहे हो। लेजर प्रिंटर ही राइट आंसर, इंकजेट से तो महंगा पूछ रहा नहीं, इंकजेट से तो महंगा ही पूछ रहा है, लेजर आएगा, लाइन प्रिंटर इंकजेट से सस्ता होता है, इंकजेट दे ही रखा ऑप्शन में, डॉट मैट्रिक्स इससे भी छोटा होता है, क्वालिटी कम होती है। नेक्स्ट भाई, अच्छा वो उस हिसाब से आंसर दे रहे थे आप। नेक्स्ट, डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज इन प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड, प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट में नहीं होता डेटा। स्कॉर्पियो राम राम भाई, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा करो जी, ठीक है भाई दो लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जैसा आपका देश। मैं शरीफ आदमी था जी, फिर क्या हो गया भाई शरीफ था जी। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा जो पहले से निर्धारित रिकॉर्ड प्रारूप में व्यवस्थित नहीं, यानी कि फॉर्म में नहीं, किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर फॉर्म में होता तो क्या हो जाता, स्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता, अगर टेबुलर फॉर्म में होता तो टेबल हो जाता, अगर डेटा बोर्ड डेटा होता तो मेटा डेटा हो जाता, ठीक है ना। चार ऑप्शन हो गए, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, टेबल टेबुलर फॉर्म, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा, और अनस्ट्रक्चर्ड किसी भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा का ना होना, ठीक है ना। भाई नया बैच बता दिया मैंने आपको, नया बैच 20 तारीख से शुरू हो रहा है, लीशो ऐप पे शुरू हो रहा है, मेल कॉन्स्टेबल के लिए लाइव बैच होगा, 99 रुपीज़ से पेमेंट शुरू होगी, 20 तारीख को पेमेंट शुरू हो जाएगी। बाकी सारी जानकारी जो है मैं पोस्टर शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में, कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन के नाम से है टेलीग्राम चैनल। पाँचवा क्वेश्चन पढ़ लो,
लॉजिकल फॉर्मेटिंग करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्रुप बना देता है सेक्टर्स के इकट्ठे, उनको क्या कहा जाता है? बेसिक में से है भाई ये सारे क्वेश्चन फिलहाल तो। बेसिक में से है सारे क्वेश्चन। क्लस्टर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्लस्टर। बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन, क्लस्टर कहा जाता है। ट्रैक नहीं कहा जाएगा भाई राकेश, क्लस्टर कहा जाएगा। ये कह रहा है कि सेक्टर की बात कर रहा है, ट्रैक तो इससे ऊपर होते हैं ना, ट्रैक के अंदर सेक्टर होते हैं, और सेक्टरों को जब ग्रुप बना दिया जाए उसको कहा जाएगा क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? गुच्छा होता है। क्लस्टर क्लस्टर क्या होता है? गुच्छा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। प्लग इन टू वन ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट, कंप्यूटर के पोर्ट में प्लग किया जाए, एंड देन प्रोजेक्ट द वीडियो आउटपुट ऑन ए एक्सटर्नल सरफेस। कंप्यूटर के पोर्ट में प्लग किया जाता है, फिर वीडियो आउटपुट करता है किसी बाहरी प्रोजेक्ट पर, यानी कि कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर का पोर्ट है, इसमें लगाया जाए और वीडियो जो पड़ती है वो बाहरी एक्सटर्नल सरफेस पर वीडियो जो है पड़ती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मॉनिटर की तो पड़ती नहीं भाई, साउंड कार्ड वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है, साउंड से मतलब है। वीडियो कार्ड वीडियो कंट्रोल करेगा, वीडियो कार्ड वीडियो कंट्रोलर होता है जो सीपीयू और मॉनिटर के बीच में होता है। तो बच गया एक डेटा प्रोजेक्टर, ये काम करेगा। कौन काम करेगा? ये डेटा प्रोजेक्टर काम करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, HSSC असिस्टेंट प्रोग्रामर के क्वेश्चन है। कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड एंड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। कंप्यूटर कह रहा है कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन से हैं, सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन से हैं भाई? बस आसान क्वेश्चन है, सुपर माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर माइक्रो, इसमें है ही नहीं, मिनी और मेन फ्रेम की औकात नहीं है सुपर के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द डैश एंड डैश की, कीबोर्ड की की कह रहा है कि आपको मूव करने में कर्सर को बिगनिंग में, शुरुआत में और एंड में, एक की तो आपको शुरुआत में ले जाएगी, एक की एंड में ले जाएगी, लाइन के एंड और शुरुआत में, ध्यान रखना डॉक्यूमेंट नहीं लिखा लाइन लिखा है, तो क्या ऑप्शन होंगे? जी हेलो भाई, आसान क्वेश्चन, जल्दी चलो सर, ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। होम एंड एंड भाई, होम और एंड, होम और एंड, अंत में जाने के लिए इंसर्ट डिलीट और होम तो दबाते नहीं, एंड दबाएंगे बस, एक ही से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट सच एज न्यूज़लेटर और ब्रोशर, न्यूज़लेटर और ब्रोशर को बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है? सर पेपर है, हाँ भाई पेपर है, मुझे ही पता। स्प्रेडशीट काम आता है, डेटाबेस काम आता है, वर्ड प्रोसेसिंग काम आता है, प्रेजेंटेशन काम आता है, कौन काम आता है? वर्ड प्रोसेसिंग काम आता है। कौन काम आता है भाई? वर्ड प्रोसेसिंग, बिल्कुल राइट आंसर, वर्ड प्रोसेसिंग। सही जा रहे हो बिल्कुल सभी, सभी के सभी बिल्कुल सही जा रहे हो। पाँचवा क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज ए टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड डेटा अंटिल इट कैन बी प्रोसेस्ड। जब तक प्रोसेस नहीं किया जाता तब तक एक छोटे से टेम्प्रेरी एरिया में डेटा जो है रहता है, कौन सा है वो एरिया? सर पेपर बहुत टेंशन हो रही है भाई, टेंशन होने से कौन सा पेपर सॉल्व हो जाएगा? अगर सॉल्व होता तो सारे परिवार को बिठा दो एक जगह और टेंशन कह दो करें, टेंशन करो सॉल्व हो जाएगा मेरा पेपर। टेंशन करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पढ़ो। तो कीबोर्ड कंट्रोलर तो स्टोरेज एरिया नहीं है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टोरेज एरिया पूछ रहा है, बस स्टोरेज एरिया से बात समझ जाना, स्टोरेज एरिया नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग भी स्टोरेज एरिया नहीं है। तो बच गया एक बफर, क्या बच गया? बफर, ठीक है ना भाई, जितना हो सके MCQ करो, जितना हो सके ना MCQ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश कैन कॉपी ए प्रिंटेड पेज ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक इन टू द कंप्यूटर मेमरी फ्रीइंग यू फ्रॉम द क्रिएटिंग द डेटा फ्रॉम द स्क्रैच। स्क्रैच पढ़ने से आपकी जो हार्ड कॉपी है उसको कंप्यूटर में सेव कर लेता है, एक कॉपी के रूप में सेव कर लेता है, ऐसा कौन है?
ऐसा कौन है भाई? सर प्लीज एक्सप्लेन प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? इसका आंसर दे दो एक बार, चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ भी। स्कैनर इज राइट ऑप्शन सी। सी है प्रिंटेड पेज की कॉपी बना देगा, ट्रैक बॉल क्या कॉपी बनाएगा, माइक्रोफोन क्या कॉपी बनाएगा, टच पैड क्या कॉपी बनाएगा, स्कैनर इज राइट आंसर। इसका क्या एक्सप्लेन करना था? बफर, एक बफर क्या होता है? बफर होता है आपका रफ कॉपी। बफर क्या होता है? रफ कॉपी होता है, यानी कि असली कॉपी में उतारने से पहले एक बार आप रफ में उतार लेते हो, घर जाके असली में उतार लेते हो। ऐसे ही एक बफर एरिया बनता है, यानी कि जब तक आपके सामने डेटा नहीं आता तब तक बफर में स्टोर होता रहता है, होता रहता है, फिर आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना? ये टेम्परेरी स्टोरेज है बफर, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ। डैश इज नॉट ओनली अनवांटेड, इट क्लोज योर ईमेल अकाउंट, आपका ईमेल अकाउंट भी बंद कर सकता है भाई, अननेसेसरी सर्वर स्पेस ले लेता है, कौन होता है ऐसा? सर कॉफी पी लो, पियो भाई कॉफी पियो और जियो। ये प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चन है भाई, ये सारे के सारे 2021 में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। ये स्पाईवेयर क्यों होगा विजय भाई? स्पाईवेयर क्यों होगा? स्पाईवेयर क्या होता है? जासूसी करने वाला होता है स्पाईवेयर, जासूसी करने वाला। आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम आ बैठता है जो आपके कंप्यूटर में जासूसी करता रहता है, आप क्या चीज़ खोलते हो क्या नहीं खोलते, स्पाईवेयर बोलते हैं उसको। तो स्पाईवेयर थोड़े ना ये काम करेगा। रिमाइंडर ईमेल कुछ होता नहीं, ड्राफ्ट ईमेल, ड्राफ्ट में ईमेल सेव होती है, वो क्या काम करेगा? वो ईमेल अकाउंट को डिलीट थोड़े करेगा। तो स्पैम ईमेल जो है ऐसा काम करेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आ गया। द जेनरिक टर्म पीस ऑफ हार्डवेयर रेफर्स टू एनी, हार्डवेयर किसे कहा जाता है? HSSC क्रैकर भाई क्या आ गया ये? प्रोग्राम कहा जाता है, हार्डवेयर पूछा, प्रोग्राम तो होगा नहीं, इंस्ट्रक्शन होगा नहीं, डेटा होगा नहीं, बच गया एक डिवाइस। सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन भाई। रुक जा HSSC क्रैकर तू, रुक जा, देख लिया तेरा मैसेज भाई। प्रोग्राम फॉर डिजाइनिंग इलुस्ट्रेशन एंड मैनिपुलेटिंग फोटोग्राफ्स मूवी एंड एनिमेशन भाई। क्लास कब तक होगी? जब तक आप चाहोगे तब तक क्लास होगी भाई, जब तक आप बैठे हो मैं बैठा हूं। चला गया, कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं है उसको ब्लॉक करने की, वो चले गए हैं, उन्होंने जो मैसेज डालना था, दिखाना था अपनी पावर, वो दिखा दी। मल्टीमीडिया बिल्कुल राइट आंसर है, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया राइट आंसर है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो HSSC की तरफ से की आई है उसमें इसका ऑप्शन ग्राफिक दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना ग्राफिक में एनिमेशन नहीं होता भाई, ग्राफिक में एनिमेशन नहीं होता, मल्टीमीडिया के अंदर होता है। अब किस हिसाब से उन्होंने ग्राफिक दे रखा, तो एक बात सोचने लायक है कि एक्सप्लेनेशन उसकी फिर क्या होगी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल भाई, HSSC ने ग्राफिक आंसर दे रखा, हो सकता है रिवाइज आंसर में अपना आंसर बदल भी दे, रिवाइज की में भाई। ठीक है, मान जा भाई HSSC क्रैकर, तू सुन ली तेरी बात मैंने, जो भी खट्टर के बारे में कह रहे थे, CM के बारे में जो भी बात कह रहे हो आप, वो मैंने सुन ली, देख ली, समझ ली, ठीक है ना? हाँ अमरजीत सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल 200 पार कर दे वाले। तो टर्मिनल कैन परफॉर्म सम प्रीवियस सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस बट इट यूजली डज नॉट हैव एनी स्टोरेज, परंतु इनमें कोई स्टोरेज नहीं होता। टर्मिनल होते हैं इनमें, प्रोसेसिंग पावर होती है, लेकिन स्टोरेज नहीं होता। कौन सा है भाई ऐसा? अरे डम टर्मिनल में तो प्रोसेसिंग होती ही नहीं, डम टर्मिनल तो प्रोसेसिंग ही नहीं करता, वीक कोई टर्मिनल होता नहीं, पावरफुल कोई टर्मिनल होता नहीं, इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। डम टर्मिनल में प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, इंटेलिजेंट टर्मिनल में प्रोसेसिंग पावर होती है, मेमोरी पावर नहीं होती। बात समझ आ रही है?
इंटेलिजेंट टर्मिनल में खुद का प्रोसेसर होता है सीमी प्रजापत। ये मैंने आपको बुक वाले चैप्टर में ही पढ़ाया था, शायद आप बुक वाले बैच में भी हो तो आप भूलते क्यों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीज आर कॉल्ड मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन सी होती है? ऑप्शन ऊपर नीचे था, ठीक है कोई बात नहीं। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट होता है, शिफ्ट कंट्रोल एस्केप होता है, अल्ट कंट्रोल डिलीट होता है, अल्ट शिफ्ट एंटर होता है, कौन सी होती है मॉडिफायर की? ल्यूसेंट कह रहे हैं, ल्यूसेंट पढ़ दी भाई, बता दो भाई, ल्यूसेंट पढ़ ली इन्होंने, कुछ आप भी सलाह दे दिया करो। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट जो है मॉडिफायर की होती है। ए इज राइट ऑप्शन। एंटर नहीं होता बिट्टू, एंटर नहीं होता, एंटर नहीं होता कभी भी। मॉडिफायर की कौन सी की होती है? जो दूसरी की सहायता से काम करे, यानी कि दूसरी की के साथ काम करे। अब ये तीनों की दूसरी की के साथ काम करेंगे, एंटर अकेली काम कर जाएगी, एंटर दबा दो अकेली एंटर काम कर जाएगी, अगली लाइन में ले जाएगा या कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ऐसी की चाहिए अपने को जो कि दूसरे के साथ मिलकर काम करें। तो शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्टा अकेली काम नहीं करती है, दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद भाई 300 लाइक होने पर। नेक्स्ट भाई, कंप्यूटर आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग किए जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हुई, बैंक हुआ, ठीक है ना, जहां पर लोग एकदम से सेम डेटा की नीड हो और एकदम से प्रोसेस कर सकें, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? निर्मल पब्लिकेशन की कंप्यूटर बुक रामबाण है भाई। मेन फ्रेम, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है, मेन फ्रेम है। मिनी नहीं है और सुपर नहीं है, नैनो नहीं है, सुपर तो सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। मेन फ्रेम इज राइट आंसर, मेन फ्रेम इज राइट आंसर। हाँ एक कप और बनाने चाहिए, मेन फ्रेम राइट आंसर, बिल्कुल भाई। सर लेवल बढ़ाओ, और भाई ये तो 2021 के क्वेश्चन हैं, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये 2021 के क्वेश्चन है जो HSSC में आए। अब HSSC ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सम मेमोरी चिप रिटेन द डेटा दे होल्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब कंप्यूटर बंद हो जाए तब भी उनके पास डेटा रहता है, तो ऐसा कौन सा परमानेंट मेमोरी है, कौन सी है? हाँ चाय पीते रहेंगे बस। बैंकिंग और लाभ सिंह नारायण सर का स्कूल में, हाँ भाई मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल, बिल्कुल राइट आंसर है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट बाई देमसेल्फ मे नॉट मेक सच मच सेंस टू ए पर्सन। एक व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सेंस नहीं रखती लेकिन जानकारी होती है, तथ्य होता है, तो वो क्या होता है? सारे ही आ गए भाई, सारे, चिंता ना करो मोहित, सब। अभी तो 118 नंबर पे आया हूँ, 235 टोटल है। तो क्या आएगा? डेटा, डेटा इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा सेंस नहीं बनेगी, डेटा आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए सिवलिंग लीवर माउंटेड ऑन ए स्टेशनरी बेस दैट इज वेल सुटेड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। बस इतने से ही आंसर कर दो, प्लेइंग वीडियो गेम। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर जॉयस्टिक भाई, बिल्कुल राइट आंसर जॉयस्टिक। नेक्स्ट, ऑपरेशन टेक्स ए नंबर ऑफ वेरिएबल एज इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ वन इफ एनी ऑफ द इनपुट आर वन। ऑपरेटर अपने इनपुट के रूप में कोई भी वेरिएबल लेता है तो उसका आउटपुट वन होता है, यदि कोई भी इनपुट वन है तो, यदि कोई भी इनपुट वन है तो। दुर्गा पुलिस धन्यवाद भाई। कोई भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन होगा,
नोट में जीरो है तो वन होगा, वन है तो जीरो होगा, और में जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, और में आउटपुट होगा जीरो वन 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 वन, एंड में इनपुट होगा जीरो 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 वन जीरो वन वन जीरो वन वन, एंड में आउटपुट होगा जीरो वन जीरो 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 वन, और एग्जोर में जो आउटपुट होगा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, एग्जोर में जो आउटपुट होगा जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा कि कोई भी एक इनपुट हो तो आउटपुट वन रहेगा, कोई भी एक इनपुट हो, तो इसमें तो नहीं है, कोई भी एक इनपुट इसके अंदर है, कोई भी ये वाला है तो भी वन है, ये वाला है तो भी वन है, ठीक है ना, और ये दोनों है तो भी वन है, इसमें इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ये वाला है तो वन है, ये वाला है तो वन वन है, लेकिन जब दोनों वन है, कोई भी का मतलब है यानी कि कोई भी हो चाहे दोनों हो, ये नहीं है, तो और इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है ना। समायण से राम राम भाई, जी जी राम राम ले ली भाई, समायण से 150 होने पर बधाई भाई, आपको बधाई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, स्मॉल आउटलाइन डी आई आई एम एम सी एस ओ डी आई एम एम, स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसका क्या मतलब है, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, चिप जो है पाई जाती है कंप्यूटर में, कौन से में पाई जाती है, बिल्कुल हो गई भाई, बेसिक से लेकर और एडवांस तक पढ़ाया जाएगा विद एमसीक्यू, जो लेटेस्ट टॉपिक हैं सारे के सारे। पेवा से राम राम भाई, तो क्या आएगा, नहीं 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 पंकज क्या कर दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई, आप गलत क्यों कर रहे हो, नाश कर दिए तो तुमने। SIMM होता है, SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, मेमोरी के लिए होता है, यानी कि जहां रैम डलती है वो स्लॉट होता है, और वो होता है डेस्कटॉप के अंदर या कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइस है उसके अंदर होता है या वर्क स्टेशन है उसके अंदर होता है। लेकिन जो DIMM SODIMM होता है ये लैपटॉप के अंदर होता है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल में दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जुलाना से राम राम भाई, मंजीत बताओ, टेलीग्राम चैनल में दो बार बता रखा है, यहां भी दो बार बता लिया मैंने, हाँ इसमें डाल दो, स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो है ये रैम के डालने की स्लॉट होती है और ये लैपटॉप में होती है, जो SODIMM स्लॉट होती है ये रैम को डालने की स्लॉट होती है, और रैम को डालने की स्लॉट को ये कहा गया है SODIMM, ये लैपटॉप के अंदर होती है, क्लियर है बात। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, द डैश बस कनेक्ट्स यू कनेक्ट्स ओनली द सीपीयू एंड रैम एंड कैरीज ओनली मेमोरी एड्रेस। ममता क्या कर रहे हैं, हमने पहले स्पेशल बैच ले रखा है, इसमें अगर कोई अलग से बेनिफिट हो तो हम ये भी ले लें, बैच बताना सर जी। भाई आप देखा करो, मेरे से मत पूछा करो बैच लेने के बारे में, क्योंकि टीचर तो यही कहेगा सारे ले लो भाई, ले लो बैच ले लो, वो तो आप देखा करो आपका कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है एमसीक्यू करने पर, और ये सारी चीज़ें मतलब वो देख के ही आप बैच लिया करो, ठीक है। बारिश आ गई क्या सर, बारिश को नहीं आई भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट, बस पूछ रहा है बस, तो ये तो बस नहीं है, ये भी पोर्ट है, AGP पोर्ट है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन पोर्ट है, और डेटा तो है ही नहीं बस, तो बस तो एक ही बची ना, मेमोरी एड्रेस ले जाने के लिए वैसे पूछ रहा है, तो एड्रेस एड्रेस बस होगी, कौन सी बस होगी, एड्रेस बस। बिस्कुट आ गई जी, बिस्कुट को नहीं आया भाई, पंकज नमकीन आई है। इमेज क्वालिटी जो है ऑल्सो नोन एज प्रिंट रेजोल्यूशन इज यूजली मेजर्ड इन, वो किस भी चीज़ में मेजर होती है, भाई बता दिया, अपडेटेड डेटा आपको टोटली जो अभी मैं YouTube पे भी करवा रहा था उस वाला भी डेटा, सारा डेटा पढ़ाऊंगा, जो 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है लीशो ऐप पे, 20 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, उसमें आप देख लेना, लाइव बैच होगा, मेल कांस्टेबल के लिए होगा, हरियाणा पुलिस। जी सिरसा से राम राम भाई, तो क्या है इमेज, DPI होगा ना, DPI डॉट पर इंच, डॉट पर इंच होगा भाई, राइट आंसर क्या होगा, डॉट पर इंच होगा।
इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज फ्रॉम एन ऑथर टू वन और मोर रिसिपेंट। क्या है, कैसा मेथड है ईमेल? सर साउंड आ रही है कूलर की, कूलर नहीं पंखा चल रहा है, गर्मी में मारोगे कमन है। हाँ भाई जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसने ये बैच होगा जो जल्दी कंप्लीट करेंगे इसने। डिजिटल राइट आंसर है भाई, डिजिटल राइट आंसर बिल्कुल सही है, डिजिटल इज राइट आंसर। बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट, वेबसाइट की बेसिक यूनिट क्या है या डॉक्यूमेंट की, वेब पेज पर डॉक्यूमेंट की, कंटेनिंग द डैश वे। नहीं आ रही सर कोई आवाज़, ठीक है भाई नहीं आ रही तो अच्छी बात है। सर आप कहाँ से लाए हो? दमतान साहिब भाई गांव से लाए हूँ। वेब पेज इज राइट आंसर, बिल्कुल वेब पेज इज राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल वेब पेज, इंटेलिजेंट हो सारे के सारे। द डैश पोर्ट्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल मॉडम, खतरनाक क्वेश्चन है भाई। खतरनाक क्वेश्चन है, इसका मैंने क्या बताया था भाई, भाई इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैंने निबेरा 2021 के सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, सारे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भाई एक वीडियो में सारे। देखो एक्सटर्नल मॉडम से वैसे सीरियल, सीरियल जो पोर्ट है वो कनेक्ट होता है, सीरियल पोर्ट। अब बता दो सीरियल पोर्ट होता है कनेक्ट मॉडम से, तो कौन से बगड़ से बिलोंग करते हो? मैं दंतान साहब से हूँ भाई, बालकदास से, अनु रानी है, अंजू रानी है, जो भी है बालकदास से भाई। सक्सेसिव पोर्ट भाई, पैरेलल पोर्ट नहीं आएगा, ऑडियो पोर्ट नहीं आएगा, नेटवर्क पोर्ट नहीं आएगा। मैंने इसका पहले ही बताया था आपको कि इसका सीरियल पोर्ट आंसर आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में शायद सक्सेसिव पोर्ट नहीं था ऑप्शन में, सक्सेसिव पोर्ट ऑप्शन में नहीं था शायद, शायद कह रहा हूँ मैं। और सक्सेसिव पोर्ट को मैं सीरियल पोर्ट कह सकता हूँ एक मायने में, एग्जैक्ट नहीं है सीरियल पोर्ट, ये भी ध्यान रखना, लेकिन इसका आंसर सीरियल पोर्ट ही आएगा, लेकिन सीरियल पोर्ट ऑप्शन में नहीं है। तो पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और नेटवर्क भी बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो बचा एक। तो उस आधार पे मैं इसको सक्सेसिव कह रहा हूँ, अदरवाइज सीरियल आएगा, राइट आंसर सीरियल आएगा, ठीक है ना। अब समझ आई मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग होगी क्या अभी? कहाँ होगी गुड मॉर्निंग भाई, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। नेक्स्ट देखो, ट्यूबवेल ऑपरेटर के आगे भाई, ट्यूबवेल ऑपरेटर के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन आगे, 127 पेज हो चुके भाई, 235 पेज हैं। डैश इज अमाउंट ऑफ टाइम दैट डिवाइस टेक्स इन इट्स रीडिंग और राइटिंग और रीडिंग टू मूव द हेड टू ए प्लेस ऑन ए मीडियम। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ शायद, तीन बार करवा चुका हूँ, चाय भेज दो जी, व्हाट्सएप कर देता हूँ भाई। बिस्कुट का पैकेट खोलने की आवाज़ आ रही थी जी, मैंने सोचा बारिश धन्यवाद भाई। रिफ्रेश रेट कहाँ से होगा यार, रिफ्रेश रेट नहीं होगा, रिफ्रेश रेट नहीं होगा भाई। ठीक, पानी
बिल्कुल सही बात है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होगा? डेटा ट्रांसफर रेट होगा, ठीक है ना, डेटा ट्रांसफर रेट। किसी भी रीड राइट हेड को रीडिंग करने के लिए और राइट करने के लिए किसी मीडियम पर लेकर जाना डेटा ट्रांसफर रेट होता है, और उसका लोड कराना, ठीक है ना। धन्यवाद भाई, ठीक है ना। आज कितने बजे तक होगी क्लास? क्लास का कुछ नहीं पता भाई। द डिवाइस यूज ए स्पेशल माइक्रोचिप, माइक्रोचिप यूज होती है, डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस के अंदर यूज होती है। एक्चुअली यूज करते हैं मिरर को किस चीज़ के लिए? कंट्रोल करने के लिए, डिस्प्ले की, डिस्प्ले किस चीज़ की डिस्प्ले? पिक्चर की डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए मिरर का प्रयोग होता है। और एक वास्तव में एक स्पेशल चिप होती है जिसे माइक्रोचिप कहते हैं, और वो लगती है माइक्रो मिरर डिवाइस के अंदर, जो माइक्रो मिरर डिवाइस भी कहलाती है, डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस। तो उसका आंसर क्या होगा? मिरर डिवाइस जो है कंट्रोल करने के लिए डिस्प्ले को यूज की जाती है। किस में यूज की जाती है? चाय का पतीला चढ़ा ले, चढ़ा लिया भाई चाय का पतीला। था साउंड कार्ड नहीं होता, वीडियो कार्ड नहीं होता, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग होता है। राइट आंसर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डिजिटल वीडियो डिस्क भी नहीं होता, डीएलपी होगा। क्या होगा? डीएलपी होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू गो टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के टॉप में जाने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा? डॉक्यूमेंट के टॉप में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, अल्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस पेज अप, अल्ट प्लस पेज अप। क्या यूज होगा? कंट्रोल प्लस होम यूज होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस होम भाई। कंट्रोल प्लस अप नहीं, कंट्रोल प्लस पेज अप नहीं होगा भाई, कंट्रोल प्लस होम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? सर पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी पीडीएफ। असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कौन करेगा? कन्वर्ट करेगा असेंबलर भाई। कौन कन्वर्ट करेगा? असेंबलर। लिंकर नहीं करेगा, लिंकर तो कन्वर्टर है ही नहीं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। कंपाइलर एचएलएल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एचएलएल के सोर्स कोड को, एचएलएल के सोर्स कोड को मशीन के ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कौन? कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी दोनों, लेकिन कंपाइलर पेज बाई पेज करता है। कंपाइलर क्या करता है? पेज बाई पेज करता है, और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाई लाइन करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाई लाइन करता है, ठीक है। 300 लाइक विदाउट एनी डिसलाइक, डिसलाइक जी जी। दिस इज एन इंटरमीडिएटरी डिवाइस बिटवीन सीपीयू एंड मॉनिटर। सीपीयू और मॉनिटर के बीच में वो एक डिवाइस होती है, कौन सी होती है? कंफ्यूजन हो गो था जी, किस चीज में हो गए थे भाई मनीषा? क्या आएगा भाई? मॉनिटर और सीपीयू के बीच में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वीडियो कंट्रोलर। कौन होता है? वीडियो कंट्रोलर होता है। साउंड कार्ड नहीं होता, डिस्क नहीं होती, नन ऑफ दीज ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, व्हेन यू फॉर्मेट ए मैग्नेटिक डिस्क, जब आप मैग्नेटिक डिस्क को फॉर्मेट करते हो, डिस्क ड्राइव जो है वो क्रिएट करती है कॉन्सेंट्रिक रिंग, रिंग क्रिएट होती है इस तरीके से, वो क्या कहलाते हैं? दोनों साइड क्रिएट होते हैं डिस्क के, दोनों साइड, वो क्या कहलाते हैं? सेक्टर कहलाते हैं, स्पिंडल कहलाते हैं, ट्रैक कहलाते हैं, या बूट सेक्टर कहलाते हैं। आज वो डिसलाइक वाले नहीं आए, हाँ वो डिसलाइक वाले स्पेशल इनविटेशन होता है उनका ना, मतलब वीडियो शुरू होते ही पहले डिसलाइक, मतलब उन्होंने पेड कोर्स भी ले रखा मेरा, मतलब अनलिस्टेड वीडियो को भी डिसलाइक ठोक देते हैं। क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं, ऐसे 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 क्या होते हैं भाई? ट्रैक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैक, सी इज राइट ऑप्शन। क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। मोस्ट ऑफ द मेमोरी इन ए माइक्रो कंप्यूटर लॉस देयर कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज शट ऑफ। जब कंप्यूटर बंद करें तो मेमोरी से पावर चली जाती है। नॉन परमानेंट पूछ लिया, बस वैसे बता दो,
नॉन परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। धन्यवाद भाई, अमर आज के नींद आ जाएगी किसी को। तो क्या होगा भाई, नॉन परमानेंट मेमोरी कैसी होगी, वोलेटाइल मेमोरी होगी। ठीक है ना, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल होगी परमानेंट मेमोरी। नॉन वोलेटाइल कैसी होगी, परमानेंट मेमोरी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विच इज ए रेफरेंस प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए पेज। रेफरेंस होता है बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे होता है, ऐसा क्या चीज होती है, रेफरेंस होता है उसके अंदर, क्या होता है, रेफरेंस होता है ऐसा क्या होता है। भाई फुट नोट होता है, हेडर होता है, एंड नोट होता है, फुटर होता है। फुट नोट होता है देखो पेज के लास्ट में, फुट नोट, फुटर होता है पेज के लास्ट में। फुटर के अंदर जो है अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। फुटर से ऊपर होता है फुट नोट, फुटर से ऊपर क्या होता है, फुट नोट होता है। हेडर होता है पेज के टॉप में। एंड नोट होता है डॉक्यूमेंट के लास्ट में। इसने पूछा पेज के लास्ट में, तो एंड नोट तो गया कट। इसने पूछा रेफरेंस, तो रेफरेंस देने वाले दो चीज़ है, फुट नोट और एंड नोट, दो ही चीज़ रेफरेंस वाली हैं, ध्यान रखना, रेफरेंस वाली दो ही चीज़ है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा, फुट नोट बच गया। तो आंसर इज फुट नोट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू फॉर्मेट ए मैग्नेटिक डिस्क, जब आप मैग्नेट, ये वही क्वेश्चन आ गया भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। लेट्स यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन बाय टाइपिंग वन और मोर वर्ड्स। एक दो वर्ड्स टाइप करने के बाद आपको सर्च करने की फैसिलिटी प्रदान करता है, ऐसा कौन है। डिक्शनरी, डायरेक्टरी है, बुकमार्क है, सर्च इंजन है, नेविगेशन लिंक है, कौन है। प्रशांत आपकी समझ अच्छी है भाई, एक्सप्लेन तो मैं वैसे ही करता हूँ जैसे नॉर्मली करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, सर्च इंजन राइट ऑप्शन, सर्च इंजन राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है सर्च इंजन। Read and write data on the page of a tape in the same way as an audio cassette record does। जैसे audio cassette record करती है वैसे ही ये चीज़ read करती है और write करती है data को। ऐसी कौन सी डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, टेप ड्राइव है, मैग्नेटिक डिस्क है, कौन सी डिवाइस है, ऐसी कौन सी डिवाइस है। सही आंसर है वैसे भी का, टेप ड्राइव। क्या आंसर है, टेप ड्राइव राइट आंसर है, ऑडियो कैसेट की तरह जो रिकॉर्ड करती है। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन पिक्टोग्राफ मेड बाय एन आर्किटेक्चर आर यूजली यूज्ड टू प्रिंट लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका भाई, अलग अलग तरीके से बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। फ्लोपी नहीं आएगा गैलियम, फ्लोपी नहीं आएगा उसमें, मैग्नेटिक टेप आएगा उसमें, टेप ड्राइव। ठीक है ना, तो क्या आंसर आएगा इसमें, प्लूटर भाई, क्या आंसर आएगा, प्लूटर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज मैन मैकेनिकल वाले एग्जाम के क्वेश्चन आ चुके, चार्ज मैन मैकेनिकल 140 क्वेश्चन हो चुके, 235 टोटल स्लाइड है, 140 हो चुकी। इमेज क्वालिटी ऑल्सो नोन एज प्रिंट रेजोल्यूशन इज यूजली मेजर्ड इन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, डीपीआई डॉट पर इंच रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डिजिटल क्वेश्चन, डिजिटल आएगा इसका आंसर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वेब पेज आंसर आएगा। एचएसएससी एग्जाम 2021 के टोटल मिला के, मतलब मुझे एग्जाम नहीं पता कौन से एग्जाम में आया था, लेकिन कुल मिला के सारे क्वेश्चन आ गए। ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है, और इसका जो मैंने प्रीवियस टाइम आंसर दिया था वो आई थिंक कुछ और दिया था, अभी मैं कुछ और आंसर करने वाला हूँ। क्या आंसर आएगा, देखो,
इज ए कंप्यूटर सर्वर, ये एक ऐसा सर्वर है जो होस्ट करता है नेटवर्क को, नेटवर्क सर्विस को, फॉर प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्स टू क्वेरी। पहले मैंने इतना पढ़ के ही आंसर दिया था, शायद वो क्वेश्चन इतना ही था, शायद इससे ज़्यादा था, शायद। इट मैप्स ए न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एड्रेसिंग कॉम्पोनेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन होती है जो वो एआरपी रेजोल्यूशन के थ्रू होती है, एआरपी के थ्रू होती है, जो आईपी की होती है, और एड्रेसिंग कंपोनेंट आईपी को आईपी में बदलता है, डीएनएस बदलता है, कौन बदलता है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम बदलता है, और डोमेन नेम सर्वर ही इसको कहा गया है नेम सर्वर, इसलिए इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट में इन्होंने लिखा हुआ है, तो डोमेन नेम सर्वर इसका राइट आंसर बनेगा, डोमेन नेम सर्वर। शायद मैंने पिछली बार जो आंसर दिया था वो वेब सर्वर आंसर दिया था, अगर यहाँ डोमेन नहीं है तो ही मैंने आंसर दिया था, ये डोमेन होने पर ही करेक्ट आंसर होगा, अकेला नेम सर्वर कुछ भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, अकेला नेम सर्वर नहीं होता कुछ भी, डोमेन नेम सर्वर होता है, और ये नेटवर्क सर्वर, अगर अदरवाइज वेब सर्वर बनता है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नहीं जी डोमेन था उसमें भी, शायद डोमेन नहीं था भाई, बाकी देख लेते हैं एक बार। द लास्ट क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ कलर मोनिटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइक कलर्ड फॉस्फोरस डॉट ऑफ एडजेसेंट पिक्सल, ये क्या होता है? रंगीन मोनिटर का जो आपस में समान रंग के फॉस्फोरस डॉट के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? साइज होता है, रिफ्रेश रेट होता है, रिजोल्यूशन होता है, या डॉट पिच होता है, क्या होता भाई? डॉट पिच होता है, क्या होता है? डॉट पिच होता है। ये हाई हेलो वालों को लास्ट चेतावनी है, या तो मान जाओ क्योंकि अपने पास ये चीज़ें होती नहीं, अपने पास तो आंसर करो, पढ़ो, चलो, अदरवाइज मैं इधर से ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, इधर से मैं ब्लॉक करना फिर स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्योंकि अपने को संख्या की जरूरत नहीं है भाई, संख्या की अपने को कोई ज़रूरत नहीं, अपने को कोई ज़रूरत नहीं कि 500 देखें मेरे को, 1000 देखें, अपने को क्वालिटी की ज़रूरत है, जितने भी देखें उनकी जॉब लगे, उनके मार्क्स आए। एक तो गया, और आने दो भाई, कौन सा है, आ जाओ। डेस्कटॉप पब्लिक्स पब्लिशर और ग्राफिक आर्टिस्ट जो है रियलिस्टिक क्वालिटी लेते हैं फोटो इमेज के लिए, ये प्रिंटर यूज करके, कौन सा प्रिंटर यूज करके? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर यूज करके। राइट आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ठीक है ना, डी इज राइट आंसर। और थर्मल वैक्स प्रिंटर किस लिए होता है? थर्मल वैक्स प्रिंटर होता है बुक के कवर पेज के लिए, बुक के कवर पेज के लिए होता है, ठीक है ना, बुक के कवर पेज के लिए यूज होता है थर्मल वैक्स प्रिंटर। बैंड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, दोनों लाइन प्रिंटर है, ठीक है ना, दोनों क्या है? लाइन प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे अगला क्वेश्चन है, इन ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, किसने भेजा था, किसी का डाउट भी था, अभी देख लेना भाई, अब देख लेना, कौन से वाला कुलदीप, कौन से वाला कह रहे हो, रिपीट करो। सेल ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट कैन मैप एज ए यूनिट बिटवीन फिजिकल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। वर्चुअल मेमोरी होती ही वो है जो फिजिकल मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में काम आए, यानी कि उधार की मेमोरी जिसे हम कहते हैं, ले लीजिए, तो उसमें कौन सी क्या कंसेप्ट होता है? कैश का होता है, स्पेस का होता है, पेज का होता है, नन ऑफ दीज, पेज का होता है, किसका होता है? पेज का होता है, ठीक है ना, किसका होता है? पेज का कंसेप्ट होता है उसके अंदर, ठीक है ना भाई, कैश का नहीं होता, पेज का कंसेप्ट होता है। देखो ये समझा देता हूँ मैं आपको, ये मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये 2GB है, आप गेम ओपन कर रहे हो 2GB का, 3GB का गेम ओपन कर रहे हो, 3GB का, यहाँ पे ये मेमोरी तो फुल भर गई, मतलब 1GB बच गया, 1GB यहाँ से लेंगे सेकेंडरी मेमोरी से, और जब यहाँ से मेमोरी लेंगे, ये जो उधार की मेमोरी ली गई है, पेज बाई पेज आ जाएगी, पेज बाई पेज,
पेज बाई पेज आ जाए। क्लियर बात, इससे पहले वाला कह रहे थे क्लियर करो जी एक बार। ये जो डेस्कटॉप पब्लिशर इसको यूज़ करते हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटर को, ये रियलिस्टिक फ़ोटो निकालने में काम आता है। टी शर्ट वगैरह पे फ़ोटो जब हम प्रिंट करवाते हैं, जैसे किसी ने भगत सिंह छपवा लिया, किसी ने कोई नाम लिखवा लिया टी शर्ट वगैरह पे, तो वो जो प्रिंटर है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर डाई करता है ये। और थर्मल वैक्स प्रिंटर बुक के कवर पेज और ब्रोशर को बनाने में काम आता है। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट आ जाओ। आर इजी टू स्पॉट बिकॉज दे ऑलवेज कंटेन्स एट एट सिंबल। एट द रेट का सिंबल लगता है, किस में लगता है? कैश ई मेमोरी सर क्या होता है? कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी वही सीपीयू के नज़दीक लगती मेमोरी होती है, जो रजिस्टर के बाद छोटी मेमोरी होती है। रजिस्टर सबसे फास्ट, उसके बाद कैश। कैश रैम से फास्ट होती है। कैश क्या होती है? रैम से फास्ट होती है। टेम्परेरी स्टोरेज होता है। क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ईमेल में लगता है, ये राइट आंसर है इसका, सी ईमेल एड्रेस, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। विच आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल कम्प्लेक्स डिजिटल लॉजिक सर्किट। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कौन से है भाई? ना कैश मेमोरी उधार की मेमोरी नहीं होती, कैश तो वैसे ही होती है भाई, जनरली कैश तो वैसे भी हो जाती है। वन एमबी में कितने बाइट होते हैं जी? 1024 × 1024 भाई। एंड और नोट, बेसिक जो लॉजिक सर्किट है वो कौन सी है? एंड और नोट है भाई, एंड और नोट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बस इनकॉर्पोरेट ए स्पेशल आर्किटेक्चर, एक बस है जो स्पेशल आर्किटेक्चर रखती है, दैट अलाउज द वीडियो कार्ड टू एक्सेस द सिस्टम्स रैम डायरेक्टली, ग्रेटली इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ग्राफिक परफॉर्मेंस। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ग्राफिक परफॉर्मेंस, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो ऐसा कौन सा पोर्ट, ऐसी कौन सी बस है जो इनकॉर्पोरेट करती है ऐसा? AGP, एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, पेरिफेरल कॉम्पोनेंट इंटरकनेक्शन और डेटा। यूनिवर्सल बताना जी। यूनिवर्सल होता है नैंड और नोर। यूनिवर्सल दो होते हैं, नैंड होता है और नोर होता है। नैंड और नोर जो होते हैं दो यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है ना, यूनिवर्सल गेट होते हैं वो। कैश मेमोरी में लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री सभी आएंगे, अभी क्वेश्चन ही आएंगे, मैं उनमें बता दूंगा आपको, चिंता ना करो। AGP पोर्ट राइट आंसर है इसका। क्या आंसर है? AGP पोर्ट राइट आंसर है, जो एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट होता है। ठीक है ना, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन होता है, जो किस काम आता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन, ये आपका साउंड के लिए काम आता है। साउंड में ऑडियो के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए और ग्राफिक के लिए, ये तीनों चीज़ों के लिए काम आता है। लेकिन ये स्पेशल जो पोर्ट है ग्राफिक्स के लिए काम आता है। ठीक है ना, किस चीज़ के लिए काम आता है? ग्राफिक के लिए काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर बस और पोर्ट में क्या डिफरेंस है? पोर्ट पोर्ट होता है, बस बस होती है। बस वो भी हो सकती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा था रैम डाली जाती है। ठीक है ना, पोर्ट होता है जिसमें सॉकेट कनेक्ट किया जाए, जिसमें कोई सॉकेट कनेक्ट किया जाए। हालांकि सॉकेट उसमें भी कनेक्ट होता है, इसलिए पोर्ट बोला उनको, क्योंकि जैसे ग्राफिक कार्ड अलग से लगता है उसको भी पोर्ट बोलते हैं, पूरा ग्राफिक कार्ड अलग से ही लगेगा, उसको बस भी कह सकते हैं, पोर्ट भी कह सकते हैं। वेयर फिजिकल डेटा स्टोर्ड, डेटा फिजिकल रूप से स्टोर होता है, कहाँ पर स्टोर होता है भाई? फिजिकल रूप से डेटा जो स्टोर होता है कहाँ पर स्टोर होता है? सेक्टर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? सेक्टर के अंदर स्टोर होता है। क्लियर है बात? सेक्टर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट देखो, मेन फोल्डर होता है जो डिस्क पे, उसको क्या कहा जाता है? क्या डाउट आ गया भाई? मेन फोल्डर होता है जो डिस्क पे, उसे क्या कहा जाता है? टेलीग्राम का नाम कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन है भाई। अरे मुनीश फैट नहीं आएगा भाई। मेन फोल्डर होता है जो डिस्क पे, उसे रूट फोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट फोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? रूट फोल्डर कहा जाएगा। ठीक है ना, रूट फोल्डर कहा जाएगा, ना कि फैट कहा जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आप, एक बस होती है टाइप की, लोकल बस टाइप का टाइप है ये, डिज़ाइन की गई है इंटेल के द्वारा आसान बनाने के लिए। क्या चीज़ आसान बनाने के लिए? इंटीग्रेट न्यू डेटा टाइप, नए डेटा टाइप सच है जैसे ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक है, इनको डालने के लिए नई प्रकार की बस है। कौन सी है भाई ये, कौन सी प्रकार की बस है ये? अभी बताया था ये मैंने, अभी बताया था। लिंक डाल दो सर टेलीग्राम का। हाँ भाई लिंक डाल दो, कोई ना कोई आप में से नहीं डाल सकता है कोई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया लिंक भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। PCIU है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन, PCIU, ठीक है ना, PCIU, क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाओ, फाइल एलोकेशन टेबल 16, ये बड़ा बढ़िया जहर क्वेश्चन आ गया भाई, जहर क्वेश्चन। तो फैट 16 जो है, फैट 16 किस में यूज होता है? फैट 16 जो है वो एमएस डोज के अंदर यूज होता था। किसके अंदर? एमएस डोज के अंदर यूज होता था। विंडो एक्सपी, विंडो 95 और विंडो 2000 के अंदर कौन सा यूज होता था? फैट 32। कौन सा यूज होता था भाई? फैट 32। कौन सा यूज होता था? फैट 32 यूज होता था। और अगर आज NTFS किस में यूज होता था? NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है किसमें यूज होता था? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम किसमें यूज होता था भाई? विंडो NT के अंदर, विंडो NT के अंदर यूज होता था, विंडो NT के अंदर, ठीक है ना, विंडोज NT के अंदर यूज होता था NTFS, ठीक है ना, NTFS। और NTFS2 भी यूज होता था, NTFS2 वो भी विंडो 2000 में यूज होता था, NTFS2, ठीक है ना। और एक था HPFS, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम भाई, HPFS क्या है? हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, ये किसमें यूज होता है? फाइल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम किसमें यूज होता है बताना भाई एक बार। HPFS किसमें यूज होता है? HPFS IBM के सिस्टम, IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम 2 में यूज होता है, IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम 2 में यूज होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये सारे करवा दिए मैंने, फैट वाला ऑप्शन ही खत्म कर दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ट्रैक्स आर नंबर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग विद जीरो, ट्रैक जो है जीरो से शुरू होता है, कहाँ होती है जीरो, जीरो कहाँ होती है? मिड में होती है, आउटर में होती है, इनर में होती है, या आउटर में होती है फिर इनर की तरफ जाते हैं, या इनर में होती है फिर आउटर की तरफ आते हैं, या आउटर में होती है मिड की तरफ जाते हैं, किस में होती है? हाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं भाई, आउटर से इनर होती है भाई, आउटर से इनर, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको कि ये जो ट्रैक होते हैं इस तरीके से, इसमें सबसे ऊपर वाले का जीरो नंबर होता है, सबसे नीचे वाले का n-1 नंबर होता है, सबसे नीचे वाले का क्या होता है? n-1 होता है। आउटर टू इनर ध्यान रखना, आउटर टू इनर होती है। नेक्स्ट आ जाओ, डैश इज कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग एंड एंटायर यूनिट एंड सीज्ड विद ए सील्ड चैम्बर, क्या होता है? सेक्टर होता है, स्पिंडल होता है, प्लेटर होता है, मोटर होता है, मोटर तो कुछ होता नहीं, स्पिंडल होता है रोकने वाला, प्लेटों को रोकने वाले को स्पिंडल बोला जाता है, ये प्लेटों को रोकने वाला, ये जो बीच में है इसको स्पिंडल बोला जाएगा। प्लेटर, प्लेटर भाई, प्लेटर क्या यूज होगा? प्लेटर होगा पंकज, प्लेटर होगा। स्पिंडल तो रोकने वाला है, ये वाला रोकने वाला है, लेकिन मैग्नेटिक कोटिंग, ये प्लेट होती है मैग्नेटिक कोटिंग, इनको प्लेटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लेटर कहा जाता है इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज यूज टू कंप्रेस लार्ज फाइल, लार्ज फाइल को कंप्रेस करने के लिए कौन सी यूटिलिटी यूज होती है?
फिर यूबी ही है जी, यूबी ही है जी। क्या होगा कंप्रेस करने के लिए? कंप्रेशन होगा। क्या होगा? कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। क्या होगा? कंप्रेशन, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा ऐसा लॉ है जो सिंपली स्टेट करता है कि कोई मैटर नहीं करेगा अगर एंड करें या और करें किसी भी साइड से, एनी वे से? कोई बात नहीं, ऑप्शन ऊपर नीचे थे, हाँ हो सकता है। आज तो बहुत सारे ब्लॉक हो गए मेरे हाथों से। न्यू बैच आ गया भाई 20 तारीख को, 20 तारीख को लीसो पे न्यू बैच, कंप्यूटर स्पेशल बैच, कंप्यूटर स्पेशल बैच मेल कॉन्स्टेबल के लिए स्पेशल न्यू बैच है। 20 तारीख को पेमेंट शुरू हो जाएगी, 99 से पेमेंट शुरू होगी, पहले 2000 के लिए। प्लेटर क्या होता है? प्लेटर होती है प्लेट भाई, प्लेटर क्या होती है? प्लेट होती है, ये प्लेट जो होती है मैग्नेटिक चीज़ के साथ, इसको प्लेटर बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या आएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ आएगा, ठीक है ना। क्लास कितने घंटे की होगी सर? रिलीज होगी, क्लास होगी भाई लगभग, घंटे मत गिना करो, समझ में आना चाहिए। घंटे तो 5-4 घंटे इधर उधर हो जाते हैं, अगर समझ में नहीं आता तो 5 घंटे एक्स्ट्रा भी लगा दूंगा, समझ में आ गया तो 5 घंटे पहले भी ख़त्म कर दूंगा। ऐसे ना घंटे गिना करो, ठीक है ना। आप लोग घंटे देखते हो कि वहाँ पर इतने घंटे क्लास है, टीचर पर डिपेंड है, खड़ा रही टाइम पास करता रहे। क्या है, क्या पूछ कह रहा है भाई? विच टेक जायंट लॉन्च्ड कैंपेन मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग? भाई 160वीं स्लाइड पे आया हूँ, 235 टोटल स्लाइड है, 180 होने पे थोड़ा सा एक मिनट का ब्रेक लूँगा, उसमें आप क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है ना। गूगल इंडिया का राइट आंसर आएगा इसका, इसका राइट आंसर आएगा गूगल इंडिया। क्या राइट आंसर आएगा? गूगल इंडिया। सम ऑफ द कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप, कंप्रेशन एटसेट्रा। तो ये क्या होते हैं भाई? एप्लीकेशन होते हैं, सिस्टम होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, यूटिलिटी होते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, कंप्रेशन, यूटिलिटी होते हैं ना सारे के सारे, बिल्कुल भाई। लगभग जो जुड़े हैं, मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा आपको बीच में, जस्ट वन लाइन ओनली, कि जो भी आप जुड़े हो, मुझे लगता है जो लगातार जुड़े हो, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है। देखो क्वेश्चन नॉर्मली बीच में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ से भी आपने पढ़ा है, मुझे ये लगता है कि अगर आपकी क्वेश्चन ये पकड़ में आ रहे हैं तो आपने अच्छा पढ़ा हुआ है और आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी है। आपको एमसीक्यू ही करने चाहिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। तो ऑपरेटर टेक्स ए नंबर ऑफ वेरिएबल एज इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस वन आउटपुट हुज वैल्यू इज वन, जिसकी वैल्यू वन होती है इफ एंड इफ ओनली इनपुट्स आर वन। यदि सारे के सारे जो है इनपुट वन है तो वैल्यू वन होगी, तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब जहाँ से भी पढ़ाया, मतलब मुझे खुशी हुई कि जो लगातार जुड़े हैं वो आप काफ़ी अच्छे आंसर दे रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा। यदि दोनों इनपुट वन है तो किस में होगा? एंड उसके अंदर होगा, एंड गेट के अंदर होगा, ठीक है ना, एंड सर्किट के अंदर होगा, ठीक है ना, क्लियर है बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया का एग्जाम्पल क्या है? जी जी बिल्कुल, ऑप्टिकल मीडिया का एग्जांपल क्या? हार्ड डिस्क तो मैग्नेटिक मीडिया है, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक मीडिया है, रैम मेटल सेमीकंडक्टर मीडिया है, सेमीकंडक्टर ऑक्साइड है, और बच गया सीडी, सीडी ऑप्टिकल है, ठीक है ना। रैम कैसी है? सेमीकंडक्टर है। फ्लॉपी डिस्क कैसी है? मैग्नेटिक है। हार्ड डिस्क कैसी है? मैग्नेटिक है।
सीडी बच गया ऑप्टिकल मीडिया, ठीक है ना। मोहित, डीवीडी स्टैंड्स फॉर, डीवीडी क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिस्क्रीट वर्सेटाइल डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डिस्क्रीट वीडियो डिस्क, क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ए इज राइट ऑप्शन, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बिल्कुल सही है, ए आंसर सही है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू कनेक्ट मोबाइल फोन कंप्यूटर पीडीए शॉर्ट रेंज के वायरलेस कनेक्शन के साथ, तो कौन यूज होगा शॉर्ट रेंज के वायरलेस कनेक्शन के साथ? सॉलिड स्टेट, ब्लूटूथ, सीरियल, यूएसबी, क्या होगा? बैटरी शट डाउन की तरफ, जी, ब्लूटूथ होगा, क्या होगा? ब्लूटूथ होगा, ठीक है ना, ब्लूटूथ होगा, बिल्कुल राइट आंसर ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी इज ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी है यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान सीमोस मेमोरी है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, डिस्क्रीट मेमोरी, टेप ड्राइव मेमोरी, अभी बताया मैंने। प्राइमरी मेमोरी, अरे सी नहीं होगा बिट्टू, अभी तो बताया सीमोस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सीमोस मेमोरी होती है, मोस्ट मेमोरी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी। और खास बात यह है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान होल्ड करती है डेटा को, वो रैम करती है, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, ध्यान रखना आप इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आप, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ईपीआईसी, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ईपीआईसी, लास्ट चेतावनी है किरण किनु वर्मा, लास्ट चेतावनी आपको, हाँ सीमोस डेट या टाइम मैनेज करती है, बिल्कुल सही है। ईपीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नींद में लिखना लग रहा है, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ए इज राइट ऑप्शन। कहाँ पर ऑफलाइन क्लास लेते हो जी? ऑफलाइन क्लास तो अलग अलग जगह होती है जी, कोई फिक्स नहीं है, लेक्चर बेस होते हैं, जहाँ बुला लेते हैं वहाँ चले जाते हैं फिलहाल तो, मतलब ये एक दिन पहले फिक्स होता है कि वहाँ जाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता मतलब कि हर हफ्ता लेक्चर होते हैं, तो एक दिन पहले बता देते हैं कि सर कल को हमारे पास आना है, तो एक दिन जो पहले बता देते हैं वहीं पर चले जाते हैं, दिन का दिन तो किसी के पास फिर टाइम होता नहीं, बताए दिन का दिन बताएं तो टाइम नहीं होता, एक दिन दो दिन पहले बता देते हैं कि सर इस दिन हमारे पास आना है तो वहाँ चले जाते हैं, चाहे वो टोहाना हो, चाहे वो नरवाना हो, चाहे वो बरवाला हो, चाहे वो हिसार हो, कहीं भी। प्रोसेस इज सेड टू बी फास्टर देन द नंबर ऑफ बिट्स इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस फास्ट कर देता भाई नंबर ऑफ बिट्स होने से, देन द नंबर ऑफ बिट्स इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। जी हाँ से बिल्कुल, तो वर्ड लेंथ होगा भाई इसमें, क्या होगा? वर्ड लेंथ, इंस्ट्रक्शन सेट नहीं होगा, सेट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वर्ड लेंथ होगा, वर्ड लेंथ होगा, वर्ड लेंथ में जितने ज़्यादा वर्ड लेंथ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्पीड है जो प्रोसेस की स्पीड है जो वो बढ़ेगी। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, वही मैं कह रहा हूँ, देखो सिस्टम क्लॉक जो ये कह रहा है कि स्पीड जो है वो फास्ट करनी है, प्रक्रिया को एक निर्देश की बीट संख्या में तेज गति से करना है। देखो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन ही पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जो उठाते हैं मतलब उससे पेपर में से क्वेश्चन उठाते हैं ना तो उसमें दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं एक दो चीज़ छूट जाती है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस फास्ट हो जाए सिंगल इंस्ट्रक्शन में तो ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिस्टम क्लॉक का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन सेट जो है नहीं है, इंस्ट्रक्शन लेंथ नहीं है, वर्ड की लेंथ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि रजिस्टर का साइज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा अगर प्रोसेस हमें अच्छी लेनी है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एलईडीज व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में बदलती है,
दोनों ही चीज़ होंगी भाई, एमसीक्यू भी होंगे और थ्योरी भी होगी। एमसीक्यू तो मैं मतलब थ्योरी के साथ ही पढ़ाता हूँ, बिना एमसीक्यू के तो मैं मतलब थ्योरी पढ़ा के राजी ही नहीं, मतलब बिना एमसीक्यू के थ्योरी का क्या पढ़ना, अकेली थ्योरी नहीं एमसीक्यू के साथ। लाइट इमिटिंग डायोड भाई, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना, राइट आंसर लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी रिपीटेड नहीं है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछ रखा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट, मिल जाएगी भाई रोहतक में भी, रोहतक में भी मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शन सेट बिल्कुल राइट आंसर है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या राइट आंसर है, इंस्ट्रक्शन सेट बिल्कुल राइट आंसर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखा सीधा ही तो इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन रह गए जी 170 हो गए भाई, 170 पेज हो गए, 171वां पेज है ये, 171वां पेज है ये। दो सौ पैंतीस है टोटल। कैश इज लार्ज बट स्लो इज इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड, कैश लार्ज है बट स्लो है, मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है, कौन सा होता है, हाथ लग गई दुखना तो। देखो लार्ज होता है कैश, तो L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश सीरीज में होते हैं, L1 सबसे छोटा, L2 उससे बड़ा, L3 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, L3 हो गया, L1 सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा सबसे फास्ट होता है, सबसे छोटा सबसे फास्ट होता है, सबसे बड़ा सबसे स्लो होता है, सबसे बड़ा सबसे क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। देखो अब लेकिन इन्होंने क्या किया, HSSC वालों ने ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, इन्होंने L2 आंसर दे दिया आंसर की में L2, क्योंकि जो नौवीं क्लास की किताब में कैश मेमोरी दी है उसमें दो ही कैश दिए हैं, कैश वन और कैश टू, और जब इन्होंने L3 पूछा था इससे पिछले वाले पेपर में L3 पूछा था, तब उन्होंने किसी दूसरी किताब का एग्जांपल दिया था, तब तो L3 मान लिया कि L3 कंप्यूटर में होता है और वो बड़ी मेमोरी होती है, स्लो मेमोरी होती है, मदरबोर्ड पे होती है, इनबिल्ट होती है, लेकिन इस पेपर में इन्होंने मान लिया कि L3 होता ही नहीं, हालांकि मैं भी मानता हूँ कि L3 हर कंप्यूटर में नहीं होता, लेकिन या तो उसमें भी मत मानो या फिर इसमें भी मानो, तो ये HSSC है ऐसे काम कर रही है, ठीक है ना। L3 सबसे बड़ा होता है लेकिन हर कंप्यूटर में नहीं होता, इसके अनुसार इसका आंसर जो है L3 ही आएगा, लेकिन इन्होंने की में आंसर L2 दे रखा है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, ये L1 L2 L3 का खेल था जो आप पूछ रहे थे, L3 सबसे बड़ा, L1 सबसे छोटा, सबसे फास्ट L1, फिर उससे स्लो L2, उससे स्लो L3, अब L3 होगा, ठीक है ना, L3 हो सकता है रिवाइज आंसर की में ये मान लें, ठीक है ना। स्पेशल जिसमें हाई मेमोरी पावर होती है उसमें होता है भाई L3, हाई मेमोरी पावर वाले में। कंपोज्ड ऑफ ए ट्रांजिस्टर एंड ए कैपेसिटर विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है, बुक नेम बता दो जी, कोई बुक नेम बता दो भाई इनको। हाँ सीपीयू के नियर वाला फास्ट होगा, मतलब L1 सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है, L1 सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है, सीपीयू के नज़दीक सबसे L1 होता है, सीपीयू के ऊपर ही होता है L1, सीपीयू के सिरे पे होता है, और L2 रैम और सीपीयू के बीच में होता है, मदरबोर्ड पे होता है, L3 भी सेम होता है मदरबोर्ड पे होता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर किस में होते हैं, कैपेसिटर डायनेमिक रैम के अंदर होते हैं, स्टैटिक रैम में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, स्टैटिक रैम में क्या होते हैं भाई, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, डायनेमिक रैम में क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ठीक है ना। बाकी ये डायनेमिक रैम की सब पार्ट है डायनेमिक रैम के। नेक्स्ट आगे RISC स्टैंड्स फॉर, RISC क्या होता है, हाँ दो ऑप्शन याद करने पड़े हमेशा HSSC वाले ने भाई, एक तो वो जो HSSC मानना है, एक वो जो असली आंसर है। भाई रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. द डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट पल्स विच आर मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मेगा हर्ज में आप आ जाता है. ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सी होती है? क्या था भाई ट्वेल्थ बेस पे? अभिषेक अभी तो नहीं, टाइम लगेगा उसमें. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूछ रहा है तो इंस्ट्रक्शन सेट तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती नहीं. वर्ड लेंथ नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इंस्ट्रक्शन लेंथ नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. सर्किट एक ही होता है, सिस्टम क्लॉक सर्किट होता है. सिस्टम क्लॉक सर्किट होता है. नेक्स्ट आ जाओ. सॉफ्टवेयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यूजली बंडल्ड अप विद सम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाता है ये फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर होता है, शेयरवेयर होता है, ओपन सोर्स होता है. ओपन सोर्स और फ्रीवेयर एक ही बात है. ओपन सोर्स और फ्रीवेयर एक ही बात है. जैसे कि आपका फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स है. जैसे कि आपका लिनक्स है, जैसे आपका लिनक्स है. बच के दो, शेयरवेयर और शेयरवेयर होता है पेड. इसका डेमो वर्जन मिलता है अपने को, डेमो वर्जन मिलता है, डेमो. फ्रीवेयर बच गया, ठीक है ना? फ्रीवेयर होता है. क्या होता है? फ्रीवेयर, ठीक है ना? नेक्स्ट वे, रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन. रेजोल्यूशन को मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है? पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर फिट, पिक्सल पर मीटर, पिक्सल पर मिलीमीटर, पिक्सल पर इंच में मेजर किया जाता है. बिल्कुल राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. कैश इज स्मॉल बट इज बिल्ट इन इनसाइड सीपीयू. अब तो बता दो इसका. कैश कैश कर रहे थे आपकी सर, कैश वाला ऑप्शन बता दो. कैश वाला ये था, कैश वाला भाई. बस बात खत्म. सबसे छोटा कौन सा है? L1 है. राइट आंसर L1. अब तो कोई दिक्कत आएगी ना कैश में. नेक्स्ट आ जाओ. ब्रॉडली प्राइमरी मेमोरी कैन बी ऑफ टू टाइप. प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की हो सकती है लगभग, ब्रॉडली. रैम रोम, रोम डिस्किट, रैम टेप, रोम टेप. प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, रैम और रोम. डिस्किट नहीं होता, टेप ड्राइव नहीं होता, टेप ड्राइव नहीं होता, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए इज ए स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी. स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी जो है ये क्या होती है? इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट मेमोरी है? हालांकि अगर ये क्वेश्चन देखा जाए ना, अगर ये लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी, फिर तो मेगाबाइट राइट ऑप्शन है. लेकिन अगर ये कहते कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट बताओ, फिर तो नन ऑफ दीज है. कि स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट तो बिट होती है. समझ में आई बात? अगर ये कहे फॉलोइंग में से, नीचे लिखे गए में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, फिर तो मेगाबाइट है. अगर ये कहे स्मॉलेस्ट बताओ, नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है, फिर तो बिट है. बात समझ आ रही है? हाँ, फिर तो बिट आएगा, फिर आएगा बिट. अगर फॉलोइंग में से देता है फिर मेगाबाइट आएगा, ठीक है ना? अदरवाइज बिट आ जाता है. हाँ, नहीं तो बिट हो सकता है. ये क्वेश्चन इस प्रकार के देते हैं, जैसे सी वाले कंप्लीट करते नहीं. नेक्स्ट आ गया. स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज टू हैव अबाउट सिंगल चिप, यूज टू हैव अबाउट डैश ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप. डैश ट्रांजिस्टर आएगा भाई, डैश ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप. सर इसका आंसर क्या देंगे फिर? भाई मैं आंसर बताऊं तो मेगाबाइट, लेकिन सही आंसर बताऊं तो फॉलोइंग के हिसाब से बता रहा हूं मैं. फॉलोइंग नहीं लिखा तो मैं तो नन ऑफ दीज लगाऊंगा. अगर फॉलोइंग नहीं लिखा तो, अगर फॉलोइंग लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है. क्वेश्चन में कुछ दे रखा हो, हमने उठाया क्वेश्चन वहां से टाइप किया, हो सकता है प्रिंट मिसप्रिंट हो गया हमारे से. अगर वहां फॉलोइंग दिया था तो फिर तो आएगा मतलब मेगाबाइट. अगर फॉलोइंग नहीं दिया था, ऑल ऑफ द पूछ रहे, फिर नन ऑफ दीज. HSSC ने क्या माना इसका आंसर? मुझे मिला नहीं भाई. SSI में कितने चिप होते हैं भाई? SSI के अंदर कितनी ट्रांजिस्टर होते हैं? 10 ट्रांजिस्टर होते हैं. SSI के अंदर कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 10 होते हैं.
ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, यूपीएससी वाले तो इनको पास ना फटकने दे भाई, एचएसएससी वालों को, इनको पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो यूपीएससी वाले थोड़े ना इनको लेके जाएंगे। इनको जब यही नहीं पता क्वेश्चन पूछना कैसे है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अधूरी होती है इनकी, बच्चे फिरते हैं फिर धक्के खाते कोर्ट में, और कोर्ट में आप चैलेंज कर दो किसी क्वेश्चन को, मानेंगे नहीं उनकी, उनके खुद के मानेंगे, मतलब जो उनकी टीम है उनकी मानेंगे, कहेंगे ये जो कह रही है सही है। सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो कार्य ऐसे कार्य प्रदान करता है जो कंप्यूटर के उचित रख रखाव में मदद करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, 182 पे पहुंच गए भाई, 182 पे पहुंच गए। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज शेड्यूलिंग। कौन सी शेड्यूलिंग होती है राउंड रोबिन की? मैं तो कहता हूं आप जो है लॉजिक पकड़ो, भाड़ में जाए मतलब वो क्या मान रहे क्या नहीं मान रहे, लॉजिक सही होना चाहिए अपना, मतलब लॉजिक जो कहता है वो सही होना चाहिए। अब नहीं मान रहे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं अपने पास, नहीं मान रहे तो अपना लॉजिक सही है, अपना आपका कॉन्फिडेंस आ कि मेरा लॉजिक ये कहता है कि ये होना चाहिए। अरे नहीं, टाइम शेयरिंग, राउंड रोबिन क्या होता है? टाइम शेयरिंग होता है, टाइम शेयरिंग। स्पूलिंग कहाँ ले गए आप बिट्टू? टाइम शेयरिंग होता है, राउंड रोबिन जो होता है वो क्या होता है? टाइम शेयरिंग होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब मान लीजिए पांच प्रोसेस हैं, पांच प्रोसेस आई अपने पास, 500 प्रोसेस को दो दो सेकंड दे दी गई, दो दो सेकंड की, दो सेकंड आप चल जाना, दो सेकंड आप, दो सेकंड आप, दो सेकंड आप, दो सेकंड आप। इसको टाइम शेयरिंग भी कह देते हैं, राउंड रोबिन भी कह देते हैं। राउंड रोबिन इसलिए कह देते हैं भाई, इसका हो सकता है दो सेकंड में काम पूरा ना हो, तो दो सेकंड में अगर काम पूरा ना हो तो इसकी बची हुई सेकंड बाद में लाइन में लग जाएगा, पीछे राउंड लग जाएगा, ठीक है ना, बाद में लाइन में लग जाएगा, इसलिए इसको राउंड रोबिन भी कहा जाता है, ठीक है ना। बफरिंग आपको पता ही है। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग एक मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर अपना, उससे बहुत सारे मॉनिटर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर पे बहुत सारे यूज़र बैठे हुए हैं, उस पे एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे यूज़र बैठे हैं, और इन सभी ने प्रिंटर की कमांड दे, प्रिंट की कमांड दे दी, प्रिंटर लगा हुआ है इस पे, ये भी प्रिंट निकालना चाहता है, ये भी, ये भी, ये भी, तो प्रिंटर किसका प्रिंट निकालेगा भाई? प्रिंटर इन सभी को लाइन में लगा देगा, उसको बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं। और प्रायोरिटी को आपको बताइए, प्रायोरिटी को आपको बताइए, प्रायोरिटी क्या होता है? यानी कि प्राथमिकता देना। जैसे मान लीजिए सरपंच ये कहे कि मैं तो सिर्फ बूढ़ों बूढ़ों से मिलना चाहता हूँ, पहले बच्चों को बाद में मिलूंगा, बूढ़ों को प्राथमिकता होगी। अब वो कहे कि इससे तो बच्चे रह गए, बच्चों को प्राथमिकता दूँ तो बच्चों को दिक्कत होगी, मतलब बूढ़ों को दिक्कत होगी, बूढ़ों को टाइम नहीं मिलेगा। अब वो कहे कि मतलब प्रायोरिटी बेस पे किसी को कहे कि महिलाओं को पहले मिलूंगा तो भी दिक्कत है कि मतलब बाकी रह जाएंगी, तो इसलिए राउंड रोबिन शेड्यूलिंग आई थी कि दो दो मिनट सभी को दे दो ना आप, ठीक है। नेक्स्ट भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ इट इज नोन एज, इसको जाना जाता है, किससे जाना जाता है भाई? बफरिंग होता है, बफरिंग टेम्परेरी स्टोरेज, रफ कॉपी, बफर एरिया। कोई बात नहीं, कल देख लेना भाई, किसी का स्विच ऑफ हो रहा है तो फोन। बेस 10 भाई, बेस 10, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है? 10 होता है, राइट आंसर। कंप्यूटर आर यूज्ड एज कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन के साथ कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स है, वो कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल है, डिजिटल नहीं है कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन के साथ, माइक्रो तो है ही नहीं, माइक्रो डिजिटल और एनालॉग इन तीनों में से था, माइक्रो सॉरी डिजिटल हाइब्रिड और एनालॉग में से था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हाइब्रिड। क्या राइट आंसर आ जाएगा? हाइब्रिड भाई। सब तो अरब तो ऊपर को जाने लगे, ऊपर को क्यों जाने लगे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSI चिप जो है उसमें कितने ट्रांजिस्टर होते हैं पर चिप? कितने ट्रांजिस्टर होते हैं MSI के अंदर? 1001 होते हैं, 100 होते हैं, 1020 होते हैं, 930 होते हैं, क्या होते हैं? सो होते हैं भाई, कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 100। SSI में कितने थे? 10 थे। MSI में कितने हो गए? 100 हो गए। और LSI में कितने होंगे? 300,000 होंगे। कितने होंगे? 300,000 होंगे, ठीक है। हाँ, फास्ट है भाई, स्पीड 186 नंबर पे आ गए।
ए टेम्परेरी यूनिट ऑफ मेमोरी इज इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर टेम्परेरी यूनिट, मेमोरी की टेम्परेरी यूनिट क्या होती है? घर वाले बोल रहे हैं सर सो जा। ठीक है देख ले भाई मिट्टू, कोई बात नहीं। स्टोरेज यूनिट क्या होती है? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं भाई, ठीक है ना। सी यू कंट्रोल करने का काम करती है, ए एल यू अर्थमेटिक और लॉजिक, और रजिस्टर जो है स्टोर करने का काम करता है। यूटिलिटी, ऐसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो स्कैन करता है फाइल को, ऐसी फाइल जो जिनको यूज़ किए काफ़ी दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया जिनको यूज़ किए, ऐसी फाइल को स्कैन करता है, ऐसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? बैकअप है, कंप्रेशन है, क्लीनर है या डिफ्रेगमेंटर है? बैकअप तो कॉपी बना कर रखता है, एक कॉपी तैयार करके रखता है। कंप्रेशन कंप्रेस करता है, फाइल का साइज रिड्यूस करता है। डिस्क क्लीनर क्लीन करता है अननेसेसरी फाइल्स को, सी इज राइट ऑप्शन। और डिफ्रेगमेंट आपको बताया ही था मैंने, फ्रेगमेंटेड की हुई फाइल को एक जगह इकट्ठी कर देना डिफ्रेगमेंटेड होता है। कंप्यूटर कैन वर्क ऑन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा आर वेरी वर्सेटाइल एंड कैन हैंडल वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। छोटे वॉल्यूम पर बहुत सारे एप्लीकेशन काम आ सकते हैं, इसमें अलग अलग एप्लीकेशन जो है काम कर सकते हैं। क्या होता है? मेन फ्रेम होता है, माइक्रो होता है, सुपर कंप्यूटर और नन ऑफ दिस। स्मॉल, स्मॉल के लिए क्या होता है? स्मॉल के लिए तो एक ही होता है ना, माइक्रो होता है। स्मॉल के लिए क्या होता है? माइक्रो होता है। स्मॉल एरिया के लिए और अलग अलग एप्लीकेशन चल जाती है, माइक्रो में जैसी मर्जी एप्लीकेशन चला लो। यूटिलिटी इज बेस्ड टू क्रिएट द कॉपी ऑफ कंप्लीट और पार्शियल डेटा स्टोर्ड इन ए डिस्क और सीडी और एनी अदर डिस्क। कॉपी बनाता है, कॉपी। कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कॉपी बनाता है? एंटीवायरस तो बनाता नहीं, कंप्रेशन तो कंप्रेस करता है, डिफ्रेगमेंटर अभी बताया था। डिफ्रेगमेंटर होता क्या? बचा एक बैकअप। तो आप ज़्यादातर ऑप्शन इलेमिनेट करके सेट किया करो, ठीक है ना, इलेमिनेट करके ऑप्शन को सेट किया करो। कर दो जी बंद अब क्लास। क्लास की क्या पड़ी है भाई, 190 पे आ गए, 235 टोटल हैं। अभी ख़त्म कर देते हैं जल्दी जल्दी, क्यों चिंता कर रहे हो? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इस साल के हैं, 2021 के। इज ए हाई स्पेशल स्पीड मेमोरी। हाई स्पीड मेमोरी है मेड अप ऑफ हाई स्पीड स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम से बनी होती है कौन सी मेमोरी है? सर्कल आपकी क्लास है, कहाँ पे है क्लास भाई? कैश मेमोरी, बिल्कुल राइट आंसर है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है स्टैटिक की टेक्नोलॉजी से बनी होती है, ठीक है ना। स्टैटिक की टेक्नोलॉजी से कौन सी मेमोरी बनी होती है? कैश मेमोरी बनी होती है। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था 1642 ईस्वी में, क्या इन्वेंट किया था भाई? ओहो बैटरी मेरी वाली फोन की बैटरी लो होगी भाई, 200 तक देखेंगे, देख लो भाई मर्जी आपकी, 200 तक देख लो, मैं तो 200 में बंद कर दूंगा, ठीक है ना, बाकी फिर देखी जाएगी कब होगा। 200 में बंद कर लें, ठीक है भाई 200 में बंद कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। 1642 में ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन का आविष्कार किया था, ब्लेज पास्कल ने। लॉगरिदम का आइडिया जॉन नेपियर ने दिया था, नेपियर के लॉग्स एंड बोन्स थे जो गुना और भाग करने के लिए यूज किए जाते थे, गुना और भाग करने के लिए, ठीक है ना। वट आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में ये भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है पर्सनल कंप्यूटर के रूप में? कोई नहीं चलने देते हैं, चलने देते, चिंता ना करो। पर्सनल कंप्यूटर के रूप में क्या जाना जाता है, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? हाँ 35 तो रह ही जाएंगे, पूरे करके ही छोड़ेंगे, लो नमकीन खा लो। माइक्रोवेव पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो, आन दो जी। ले भाई शेयर कर देना, अभी बचे हुए हैं, कभी अभी सोचो कि हो गया काम, ये तो ब्रेक के लिए है, एक मिनट के ब्रेक के लिए, ओनली वन मिनट। लेट मी टेक वाटर एंड लेट मी टेक मिल्क ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू टेक लेट मी सेंड टू यू। प्रशांत लग तो ऐसा रहे कि मुझे, मैं जींस से हूँ।
भेजो जी, 200 पे ऑफ कर दो जी, बाकी पीडीएफ डाल दियो। फ्लोर डिवीजन वाला देख लेते हैं मैं। बिल्कुल, फ्लोर डिवीजन वाला क्या है, जैसे मान लीजिए वो फ्लोर करता है, फ्लोर का मतलब होता है एक वैल्यू कम करना, सीलिंग होता है एक वैल्यू बढ़ा के देना, एक वैल्यू बढ़ा के देना। जैसे मान लीजिए कि 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, बच गया एक, और उसके बाद 5 आ जाएगा, यानी कि 2 5 10, 4.5 आ जाएगा, 4.5, तो आंसर 4 दिखाएगा। क्या आंसर दिखाएगा? 4.0 या 4 आंसर दिखाएगा, फ्लोर डिवीजन कर देगा, एक आंसर कम लेकर आएगा, ठीक है ना, एक आंसर कम लेकर आएगा। क्लियर बात, फ्लोर डिवीजन में। और अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई आंसर है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, 9.0 कुछ लिखा हुआ है, 9.0 को 2 से भाग करेंगे, तो ये 4.0 आंसर दिखाएगा, पॉइंट वाले में पॉइंट आंसर दिखाएगा, मतलब दिखाएगा कम, ये याद रखना। आईपी एड्रेस का टॉपिक क्लियर कर दो सर। बोलो आईपी एड्रेस का क्या था रितु, बोलो क्या था, क्या था आईपी एड्रेस का भाई? IPv4 32 बिट लेता है, IPv6 128 बिट लेता है भाई। IPv4 में डॉट होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, IPv6 में 128 बिट होते हैं, कोलन होते हैं और हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू होती है। बात खत्म। एक पूछ रहा भाई, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 101 है, इधर से चलो जहाँ भी 1 दिखे उसको 1 लिख के बाकी सारी चीज़ें पलट दो, टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बात खत्म, और बताओ। फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट पेज के लास्ट में होता है भाई, और एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है, फर्क कुछ भी नहीं होता, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन एंड नोट पेज के लास्ट में, फुट नोट पेज के, एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में, फुट नोट पेज के लास्ट में। लो भाई आ जाओ, चलो करते हैं शुरू। लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट ए सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम इन टू मशीन कोड, वैसे बता दो इसका, तो वैसे ही बता दोगे आप। हाँ मिल जाएगी भाई, बाद में मिल जाएगी, और कहाँ जाएगी वीडियो, बाद में मिल जाएगी। सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, सिंगल सिंगल ट्रांसलेटमेंट को, सिंगल स्टेटमेंट को कौन करेगा? इंटरप्रेटर करेगा। कौन करेगा? इंटरप्रेटर। पेज बाय पेज को कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को करेगा। असेंबली लैंग्वेज में कैसे कोड होते हैं बता दो। बताओ इंपॉर्टेंट क्या पड़े दीपिका? इंपॉर्टेंट सारा ही है भाई, सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दिन कम है, मतलब आपके पास दिन कम है, उम्र में नहीं, मतलब पेपर में दिन कम है, तो अगर आपके पेपर में दिन कम बचे हैं फिर आप एमसीक्यू पढ़ो। हाँ निमोनिक कोड बिल्कुल सही है। असेंबलर में कौन से कोड होते हैं? निमोनिक कोड, निमोनिक कोड, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बुरा मत मानना भाई मेरी बात का, डोंट टेक इट सीरियस, ओके, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आ डिस्क्राइब ऑल द डेटा कंसर्निंग वन पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति के बारे में और एक चीज के बारे में सारा डेटा हो। दो दिन है सर, एमसीक्यू करो जितना उसके भाई, 2 दिन है तो एमसीक्यू पढ़ो, जितना उसके एमसीक्यू पढ़ो बस, और रट लो, ये मत समझो कि ये कैसे आया, बस रट लो। रिकॉर्ड होता है एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी देने वाला क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। टेबल को रिलेशन कहा जाता है, टेबल को क्या कहा जाता है? रिलेशन कहा जाता है। फील्ड को कॉलम कहा जाता है, फील्ड को क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। वर्क्स ऑन कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमिना सच एज फ्लूइड प्रेशर, मैकेनिकल मोशन, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा।
लगता तो है रिवीजन के लिए बहुत है, क्योंकि इसमें जनरेशन कंप्लीट हो गई, इसमें मेमोरी कंप्लीट हो गई, इसमें इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, इसमें इंटरनेट कंप्लीट हो गया, लगता तो है कि काफ़ी है। एनालॉग कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर होता है ऐसा? एनालॉग कंप्यूटर होता है, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू टाइम ऑफ डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले करवा चुका हूँ, देखता हूँ कौन कौन आंसर देगा इसका। सर फोन की बैटरी, बैटरी तो मेरे वाले की भी चली गई भाई। क्या आंसर आएगा इसका? सही आंसर दे रहे हो, कुछ आंसर गलत दे रहे हैं। शेड्यूलिंग राइट आंसर, शेड्यूलिंग आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टेक केयर करता है अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू टाइम को टू डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस को, इसको शेड्यूलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेड्यूलिंग कहा जाता है। अगर इक्वल टाइम दे रहा है किसी भी प्रोसेस को फिर टाइम शेड्यूलिंग कहा जाएगा, टाइम शेयरिंग कहा जाएगा, फिर क्या कहा जाएगा? टाइम शेयरिंग कहा जाएगा। लेकिन प्रोसेस को अलग अलग दे रहा, क्या पता किसको क्या दे रहा, हमें क्या पता, हमें क्या पता किसी को प्रायोरिटी बेस पे दे रहा हो, तो शेड्यूलिंग होगा। क्या होगा? शेड्यूलिंग होगा। धन्यवाद भाई। डैश इज ए स्मॉल सिलिकॉन चिप वोफर मेड, मेड वोफर का पता नहीं क्या है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली प्योरिफाइड सिलिकॉन क्रिस्टल्स। स्मॉल सिलिकॉन चिप, छोटी सिलिकॉन चिप होती है, कौन सी है भाई स्मॉल सिलिकॉन चिप? मच्छर पड़ गया मेरा, दूध में मच्छर डपड़े हम। माइक्रो प्रोसेस, अरे माइक्रो प्रोसेसर नहीं यार। अच्छा, एक्सट्रीमली प्योरिफाइड सिलिकॉन चिप माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉल सिलिकॉन चिप बोर्ड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली प्योरिफाइड सिलिकॉन चिप। आईसी नहीं होगी क्या? आईसी तो होगी, आईसी होगी भाई, आईसी। नेक्स्ट, वॉज डेवलप्ड टू एनेबल रिकॉर्डिंग री राइटिंग प्ले बैक हाई डेफिनेशन वीडियो एज वेल एज स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कौन सी होगी? डीवीडी आर, डीवीडी रोम, ब्लू रे डिस्क और नन ऑफ दीज। हाई डेफिनेशन के लिए, कितनी भी हाई डेफिनेशन हो सकती है भाई। अरे इस टाइम क्लास नहीं लेते भाई, ये तो 12 बज रहे हैं, 12 बजे का टाइम कोई क्लास लेने का थोड़ा है, ये तो आज मैराथन के रूप में ले रहे हैं क्लास। ब्लू रे डिस्क राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लू रे डिस्क रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी का। कंप्यूटर आर लार्ज एंड वेरी पावरफुल कंप्यूटर विद वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी, वेरी वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी। अब इसका भी सुन लो फिर, HSSC ने क्या मानना? क्या मानना होगा HSSC ने? अंदाजा लगाओ, मेन फ्रेम मानना HSSC ने भाई। रिवाइज आंसर की मैं हो सकता सुपर मान ले, मानना पड़ेगा भाई। लार्ज तो यही होते हैं, पावरफुल यही होते हैं, हाई मेमोरी कैपेसिटी में सुपर में होती है, मानते रहे भाई। अपन तो नहीं मानते, क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपन मानना नहीं गए, लॉजिक सही है अपना। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट लेट्स अस क्रिएट एंड स्टोर इन टेबुलर फॉर्म। क्या करें भाई, HSSC है भाई, वही बात है, मालिक है भाई, कुछ भी कहें। माइक्रो भी कहते हैं कल ना, माइक्रो सबसे फास्ट है, सबसे तेज, सबसे बड़ा है। अरे पढ़ लो क्वेश्चन को पहले, जनरल पर्पज पूछा इसने, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। DBMS में तो प्रोग्रामिंग कहेगा, ये DBMS में तो प्रोग्रामिंग कहेगा, प्रोग्रामिंग कहेगा डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को सर्च करने के लिए आसान है, ठीक है ना। तो स्प्रेडशीट पैकेज जनरल पर्पज के लिए, स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट है,
व्हेन यू फॉर्मेट ए मैग्नेटिक डिस्क, जब मैग्नेटिक डिस्क को फॉर्मेट करते हो, डिस्क ड्राइव क्रिएट करती है सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रैक आता है, इसका राइट आंसर ट्रैक होगा। ट्रांसमिशन पाथ है ओवर विच डेटा एंड और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज पास्ड वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर इज, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है पास होते हैं, ऐसा ट्रांसमिशन पाथ क्या कहलाता है? बिल्कुल राइट आंसर है बस भाई, बस राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर बस है, ट्रांसमिशन पाथ पूछा, पाथ तो बस ही होता है। इन एन ई पी रोम बेस्ड फ्लैश मेमोरी विच कैन बी रिपीटेडली इरेज्ड एंड रिटर्न यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल, ई पी रोम बेस्ड फ्लैश मेमोरी है जो रिपीटेडली इरेज की जाती है और बार बार राइट की जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से। क्वेश्चन है भाई 204 पे आए हैं, 235 है टोटल। फ्लैश मेमोरी पूछा इसने, पेन ड्राइव है ठीक है ना, फ्लैश ड्राइव पूछा ना, तो पेन ड्राइव है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज ए डेलिकेट ग्लास डिवाइस दैट कैन कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक ऐसी ग्लास डिवाइस है जो कंट्रोल करती है और एम्पलीफाई करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। अब तो बढ़ाते जाओ उसे 235 ही है टोटल, 205 पे आए हुए हैं। वैक्यूम ट्यूब, इसका राइट आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब, जो ग्लास डिवाइस होती है वैक्यूम ट्यूब होती है जो कंट्रोल और एम्पलीफाई करती है सिग्नल को, वैक्यूम ट्यूब। विच डेटाबेस मॉडल मेंटेन्स रिकॉर्ड एंटिटी इन ग्रुप ऑफ ट्री स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्री स्ट्रक्चर, जिसे फॉरेस्ट कहा जाता है, कौन सा डेटाबेस मॉडल है जो मेंटेन करता है रिकॉर्ड को? हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ट्री स्ट्रक्चर पूछा इसने। नेटवर्क डेटा मॉडल होता है इस प्रकार से, नेटवर्क डेटा मॉडल, इस प्रकार से होता है नेटवर्क डेटा मॉडल, जिसमें एक जो है बहुत सारी डिवाइसों से जुड़ा होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है नेटवर्क डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर टेबल होती है, रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर क्या होती है? टेबल होती है। हायरार्किकल डेटा मॉडल कैसा होता है? हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है इस प्रकार से, हायरार्की होती है उसके अंदर, आपस में मिले नहीं होते, ये हायरार्की होती है इस तरीके से। ट्री स्ट्रक्चर होता है इसका, क्या होता है? ट्री स्ट्रक्चर होता है, तो ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सिस्टम रीस्टार्ट्स और व्हेन रीसेट बटन इज प्रेस्ड वी कॉल इट एज बूटिंग, कौन सी बूटिंग होती है, कौन सी बूटिंग होती है भाई? होम बूटिंग होती है, बिल्कुल राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर, सभी का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, द डैश कंटेन्स ए प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट द कंप्यूटर, जब आप पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो क्या चलता है, कौन सा प्रोग्राम जो है स्टोर करता है, कहाँ स्टोर होता है प्रोग्राम? बूट सेक्टर के अंदर, कहाँ होता है? बूट सेक्टर के अंदर, ठीक है ना। ये चार चीज़ हैं देखो, फैट, बूट सेक्टर, डेटा एरिया और रूट फोल्डर, ये चारों चीज़ जब हार्ड डिस्क फॉर्मेट करते हैं चारों चीज़ बनती हैं, ध्यान देना इस बात पे मेरी पे, जब हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं चार चीज़ बनती हैं, फैट बनता है, रूट फोल्डर बनता है, बूट सेक्टर बनता है, डेटा एरिया बनता है। फैट मैंने आपको बता दिया, फैट 16, फैट 32, NTFS, NTFS 2 और HPFS सारे बता दिए मैंने। रूट फोल्डर मैंने आपको बता दिया, रूट फोल्डर जो होता है रूट डायरेक्टरी होती है, स्टार्टिंग में क्रिएट होता है। बूट सेक्टर आपको बता दिया, बूट सेक्टर के अंदर MBR होता है, मास्टर बूट रिकॉर्डर होता है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
डेटा एरिया क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को मिला करके, इन तीनों चीज़ों को मिला करके जो खाली स्थान बच गया, जो जगह बच गई, वो डेटा एरिया होता है। वो क्या होता है, डेटा एरिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नया कंसेप्ट था ये आपके लिए। इन ए ट्रेडिशनल मेन फ्रेम इन्वायरमेंट, ट्रेडिशनल मेन फ्रेम इन्वायरमेंट के अंदर ईच यूज़र एक्सेसेस मेन फ्रेम रिसोर्सेज थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड, मेन फ्रेम के रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है कौन सी डिवाइस की सहायता से, रूलर की ना, पॉइंटर ना, प्रिंटर की सहायता से ना, बच गया टर्मिनल, टर्मिनल की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ए स्टोर डेटा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डेटा स्टोर करता है इस डिस्क के ऊपर, एक साइड नंबर जीरो होता है, एक साइड नंबर वन होता है, हर साइड में इसका रीड राइट हेड अपना होता है। तो सीडी रोम में तो होता नहीं, डीवीडी रोम में नहीं होता, रैम में नहीं होता, डिस्कीट में होता है। किस में होता है, डिस्कीट के अंदर होता है। पॉपुलर टाइप ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। नेक्स्ट, इतनी स्पीड तो ठीक है ना। डैश आर एम्प्टी स्पेस अलोंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज, क्या गलत है, मार्जिन गलत है, ठीक है ना, क्या गलत है, मार्जिन गलत है। डिस्कीट क्या होता है सर, डिस्कीट होता है फ्लॉपी डिस्क में, डिस्किस किसको कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क को कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क को डिस्कीट कहा जाता है, ठीक है ना, फ्लॉपी डिस्क को डिस्कीट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट मेक नो सेंस, ये पहले आ चुका है, डेटा आएगा इसका राइट आंसर, ये पहले आ चुका है, डेटा राइट आंसर आएगा। ए इज़ यूजफुल पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर विद स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट दैट इनेबल इट टू फंक्शन एज प्राइमरी कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर प्राइमरी कंप्यूटर बनाना है तो नेटवर्क सर्वर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क सर्वर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कैन हैंडल द प्रोसेसिंग नीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट एनी गिवन मोमेंट, हज़ारों प्रोसेसर लार्जेस्ट होता है और हज़ारों यूजर जो है एक समय में हैंडल कर सकता है, तो वो सुपर कंप्यूटर होता है, क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट, एक खालिस्तान बताता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट कैसे यूज करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बताता, हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम डाले ही ना, ठीक है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बात होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि कौन से प्रोसेस को कैसे यूज करना है। मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक्स अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड, मैकेनिकल डिवाइस हैं जो कंप्यूटर बनाती हैं, तो वह मैकेनिकल डिवाइस हार्डवेयर होती हैं, सॉफ्टवेयर तो होती नहीं, प्रोग्राम नहीं होता, कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता। सर स्पीड गनी कर दी, स्पीड गनी कर दी भाई, कम कर दें भाई स्पीड। पीसी है ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ ए नोटबुक पीसी, बट दे आर लाइटर एंड कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम ए स्पेशल पेन, एक स्पेशल पेन से इनपुट ले सकते हैं, उनको स्टाइलस कहा जाता है, डिजिटल पेन कहा जाता है, ऐसी इनपुट डिवाइस कौन सी है या पीसी कौन सा है, नोटबुक है क्या ना, हैंड हेल्ड है क्या ना, टैबलेट है, बिल्कुल है टैबलेट, ठीक है ना, पीसी टैबलेट। सर लास्ट वाला बताना कौन से वाला भाई, और स्मार्टफोन भी नहीं है, स्टाइलस पेन जो यूज़ करेंगे। द डैश इज ए सिबलिंग, ये आ चुका है, जॉयस्टिक इसका राइट आंसर होगा, ये ऑलरेडी डन है। इंडिविजुअल यूज़र जो है उनका खुद का डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो कनेक्टेड होता है सेंट्रल कंप्यूटर से, सर्वर कहा जाता है जिसे, तो नेटवर्क आएगा, क्या आएगा, नेटवर्क। एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, हार्डवेयर कोई मैकेनिकल डिवाइस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। द बस कैरीज द एड्रेस लोकेशन ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, बस जो एड्रेस लेकर जाती हैं, लोकेशन लेकर जाती हैं डेटा की और इंस्ट्रक्शन की, कौन सी बस होती हैं, एड्रेस बस होती हैं, कौन सी बस होती हैं, एड्रेस बस होती हैं, क्लियर बात। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड ग्राफिक यूजर इंटरफेस थ्रू विच द यूजर कैन ईजिली नेविगेट द एंड इंटरेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा जो प्रोवाइड करे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करे। वैसे तो देखो एक बुक के अनुसार तो ये इंटरेक्टिव है और HSSC के अनुसार भी इंटरेक्टिव है, लेकिन मैं कहता हूँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, सॉरी ये अकेला नहीं है, बाकी ये दोनों भी हो सकते हैं, मल्टी यूज़र भी हो सकता है, रियल टाइम भी हो सकता है, ठीक है ना। ग्राफिक यूज़र अकेला सिंगल यूज़र में नहीं है, वो MS-DOS होता है, लेकिन बुक में क्योंकि 9th क्लास की बुक में इंटरेक्टिव दे रखा, तो इंटरेक्टिव राइट आंसर मान लिया HSSC ने, जबकि मल्टी यूज़र भी होता है, रियल टाइम भी होता है, ठीक है ना। प्रोग्राम असिस्ट इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड आर डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन करेगा, कंट्रोल भाई
सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन करेगा ऑपरेशन कंट्रोल, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर वर्क करेगा। इंटरेक्टिव क्या होता है सर? इंटरेक्टिव कुछ भी नहीं होता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वैसे ही दे रखा, नाइन्थ क्लास की किताब में दे रखा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, दो लाइन दे रखी है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यूजर को इंटरेक्ट करवाता है, इंटरनेट चलाने में सहायता करता है, बस वैसे दे रखा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, 10 रह गए भाई, 225 आ गए भाई। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं भाई? हाँ, गूगल मीट रख लेंगे अभिषेक, बिल्कुल सही बात है भाई, रखते हैं एक दिन गूगल मीट रखते हैं। ऑल ऑफ दीज, मैनेजमेंट डायरेक्टेड भी होता है, कॉमन डेटा फ्लो भी होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। शेड्यूलिंग टास्क इज गिवन सीपीयू टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के हिसाब से दिया जाए तो शेड्यूलिंग टाइम क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू क्या बन जाएगा? प्रायोरिटी बेस्ड बन जाएगा, ठीक है ना। राउंड रोबिन आपको बता दिया, बफरिंग आपको बता दिया, स्पूलिंग आपको बता दिया। ईच हार्डवेयर डिवाइस कंट्रोल की जाती है सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो खालिस्तान कहा जाता है, दैट अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्टिवेट एंड यूजर दैट डिवाइस, यूज अदर डिवाइस, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। पता नहीं भाई क्या कहते हैं तो उसको, अलग डिवाइस होती है। ड्राइवर राइट आंसर भाई, बिल्कुल डी इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है ड्राइवर। नेक्स्ट है, इज दैट विच इज बिल्ट इनटू द सर्किटरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए पीसी रिजाइडिंग इन अ मैग्नेटिक डिस्क। ये कह रहा है कि जैसे कंप्यूटर के मैग्नेटिक डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता ना, इसमें ऐसा नहीं होता, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, यह ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कह रहा है कि जिसमें जो नॉर्मल पीसी के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता उसके अंदर, तो एम्बेडेड है, ऐसा नहीं होता किसमें नहीं होता, एम्बेडेड में नहीं होता, ठीक है ना। राइट आंसर एम्बेडेड, रियल टाइम में भी ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, एम्बेडेड में ऐसा नहीं होता। प्रोसेसिंग फंक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन द प्रोसेसर एंड, प्रोसेसिंग फंक्शन जो होते हैं वो दो चीज़ों के बीच में डिवाइड होते हैं, प्रोसेसर होता है और क्या होता है, प्रोसेसर और, आसान सा क्वेश्चन है बता दो, प्रोसेसर और मेमोरी, बिल्कुल सही है, प्रोसेसर और मेमोरी राइट आंसर है। अरे डी नहीं आएगा भाई। एन इंडेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इंडेंट होता है जो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, 230वां क्वेश्चन है, 235 है टोटल। सर क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्या? कीवर्ड्स कौन से वाले कीवर्ड्स भाई? इंडेंट क्या होता है? इंडेंट होता है मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी, टेक्स्ट और पैराग्राफ की दूरी, एज और पैराग्राफ टेक्स्ट के बीच की दूरी, पेज बॉर्डर और मार्जिन के बीच की दूरी, पेज बॉर्डर और मार्जिन के बीच की दूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी, यानी कि ये जो मार्जिन है और इससे टेक्स्ट कितनी दूरी पर लिखा जाएगा, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, मार्जिन एंड टेक्स्ट, डी इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। डैश इज ए क्वेश्चन आस्क्ड फॉर ऑफ ए डेटाबेस दैट यील्ड्स इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेटाबेस में, आप पूछा गया क्वेश्चन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्वेरी। क्या कहलाता है? क्वेरी कहलाता है, बी इज राइट आंसर, क्वेरी कहलाता है, रिकॉर्ड नहीं भाई। क्वेश्चन पूछा गया जो, वो क्या होता है, जो जानकारी निकालता है वो क्या होता है? क्वेरी होता है। बाइंडिंग के लिए जो स्पेस होता है उसे गटर बोलते हैं, गटर मार्जिन। देर इज अ वे टू सेपरेट यूर ई मेल फोल्डर ट्रैक लिस्ट एंड कैलेंडर ऑफ आइटम नो लॉन्गर नीड, जिनको ज़्यादा जरूरत नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? फिल्टरिंग, स्पैमिंग, मेलिंग या आर्चीविंग?
GUTTER, गटर मार्च। एमएस वर्ड और एक्सेल की मुश्किल आनी भाई, बहुत मुश्किल आएंगी, तो सिंपल सी आएगी, कॉपी कट पेस्ट अंडू सेलेक्ट ऑल, इस तरीके की आएंगी, फाइंड रिप्लेस गो टू। फिल्टरिंग नहीं होता, आर्चीविंग होता है। क्या होता है? आर्चीविंग होता है। राइट आंसर डी आर्चीविंग होता है। आर्चीविंग ईमेल में जो फोल्डर वगैरह, कोई भी कैलेंडर वगैरह, कोई भी आइटम है इस प्रकार की जिसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो उसको आर्चीव कर देते हैं हम। ये मैंने प्रैक्टिकल भी बताया था एक दिन, आप चेक कर सकते हो वीडियो। व्हेन यू वांट टू चेंज द पेज नंबर स्कीम हेडर फुटर चेंज करना चाहते हो, मार्जिन चेंज करना चाहते हो, साइज और पेज ओरिएंटेशन भी चेंज करना चाहते हो, आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्या चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, और एक नया सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो आप, क्या बनाना पड़ेगा आपको, इमेज ब्रेक पैराग्राफ ब्रेक सेक्शन ब्रेक बुक मार्क। इमेज ब्रेक तो नहीं बनाना पड़ेगा, बुक मार्क जरूरत ही नहीं है बुक मार्क की, तो पैराग्राफ ब्रेक की क्या जरूरत है जब ये चीज़ें चेंज करनी है, तो पैराग्राफ ब्रेक में कैसे होगा? अरे पैराग्राफ ब्रेक कैसे होगा, ये पैराग्राफ की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो पेज की बात कर रहा है, पेज की बात कर रहा है, पेज की। तो क्या आएगा? सेक्शन ब्रेक। क्या आएगा? सेक्शन ब्रेक। पूरा सेक्शन ही ब्रेक कर देंगे, पूरा सेक्शन ही ब्रेक कर देंगे। कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग कमांड्स गैदर्ड अंडर वन नेम इज कॉल्ड, फॉर्मेटिंग कमांड है, एक नाम के नीचे आ जाती हैं सारी कमांड, तो वो कौन सी कमांड होती है? स्टाइल शॉर्टकट हेडर पैराग्राफ। देखो फॉर्मेटिंग के पैराग्राफ के नीचे तो नहीं आएंगी, हेडर के नीचे भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, शॉर्टकट तो आएगा ही नहीं, बच गया एक, स्टाइल आएगा। राइट आंसर स्टाइल आएगा। लो भाई, अब आप पे डिपेंड है इसको कितना आप शेयर करते हो, ठीक है ना। मुझे आप लोगों से जुड़ के बहुत मज़ा आया, मतलब जो लगातार जुड़े हैं, जो अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छे आंसर कर रहे थे, उनसे जुड़ के मुझे आज बहुत अच्छा फील हुआ। भले ही मेरे पास मतलब 1000 नहीं लाइव हुए, नो मैटर, बट मुझे खुशी इस बात की है कि जो जुड़ रहे थे वो डेडिकेटेड, सारे के सारे डेडिकेटेड अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक्स अलॉट, और क्या बताएं, बस मतलब सल्यूट है आप लोगों को, आपकी डेडिकेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। बस क्लास को शेयर कर देना और लास्ट में जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आपको टाइम लगे तो, ठीक है ना। तो अभी सो जाएं सभी, टाइम हो चुका है, ठीक है, कल वाली क्लास के बारे में कल बता देंगे सभी को, ठीक है ना। जी जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद भाई, जय हिंद। सो जाओगे, लेट होगी, ठीक है ना। जय हिंद। मैं YouTube वीडियो के नीचे ही कमेंट पढ़ूंगा फिर आपके।